जो है जॉम्बी पे है और वैम्पायर पे है, और ये रियल स्टोरी है और बहुत ही फनी स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, तो आप इसे जरूर देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जॉम्बी से जो अकेला एक पेड़ की तरफ घूमने निकलता है, और जब वो घूमता है तो उसे एक वैम्पायर मिलता है जो कि पेड़ पे उल्टा लेटा होता है। और जब वो पेड़ पे उल्टा लटका होता है तो बोलता है जॉम्बी से कि मैं तुम्हारा सारा का सारा ब्लड जो है वो पी लूँगा। तो जॉम्बी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो जॉम्बी जो है पेड़ की डंडी को पकड़ता है और वो उस डाल को खींचता है, इतनी ज़ोर से खींचता है कि बाद में जब वो उस डाल को छोड़ता है तो जो हमारा वैम्पायर होता है वो उड़ के कहीं और ही पहुंच जाता है। अब फिर किसी तरीके से वो डाल वापस आती है और हमारा जो वैम्पायर है वो अभी भी उल्टा लटका हुआ है, और वो फिर से धमकी देता है कि एक बार मैं फिर से नीचे उतरूँगा तो मैं तुम्हारा ब्लड जो है वो पूरा का पूरा सक कर लूँगा, चूस लूँगा करके। तो जो जॉम्बी होता है वो जाता है और हमारे वैम्पायर के मुंह के पास अपना मुंह रख देता है और बोलता है ठीक है अब तुम मेरा जो ब्लड है उसको चूस लो करके। और ऐसा कह के हमारा जॉम्बी जो है वो जाने लगता है और सोचता है कि आदमी कितना अजीब है, और हमारा वैम्पायर जो है वो एकदम से भौचक सा रह जाता है, वो अभी भी पेड़ पे लटका ही होता है। हमारा जो वैम्पायर है वो सोचता है कि मैंने अपना पहला किस ऐसे ही ये जॉम्बी को दे दिया। तो वो जॉम्बी से बोलता है कि तुमने मेरा पहला किस ले लिया है तो अब तुम्हें अपना पहला ब्लड मुझे देना पड़ेगा। तो जॉम्बी ओके बोल देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है और अपनी नेक को पोक करता है और अपनी नेक को दिखाता है और बोलता है कि देखो ये यहाँ से ब्लड निकल रहा है और ये फर्स्ट ब्लड है करके। और तभी हमारा जो वैम्पायर है वो बोलता है कि या क्या ये तुम्हारे ब्लड की वेन है क्या। और तभी जॉम्बी पूछता है कि तुम्हें स्ट्रॉ चाहिए क्या ब्लड पीने के लिए। तभी हमारा ये क्या कहते हैं वैम्पायर सोचता है कि मुझे कितना टच फील हो रहा है, मतलब उसे बहुत भावुक फील हो रहा होता है। तभी वैम्पायर जाता है और एक स्ट्रॉ लेता है और जॉम्बी की गर्दन में से नेक में से थोड़ा सा ब्लड पीने लगता है, और तभी जॉम्बी सोचता है कि अब ये स्लोली रिकवर होगा। और जॉम्बी सोचता है कि ये ऐसे मेरे नेक में से ब्लड पी रहा है जैसे कि ये किसी कार्टन में से दूध पी रहा हो। और जॉम्बी बोलता है कि मेरे पास कोई फ्रेश ब्लड ब्लड नहीं है और कि एक एम्प्टी कार्टन की तरह है करके। तभी वैम्पायर बोलता है कि लेकिन मैंने कुछ तो लिक्विड पिया है करके। तो जॉम्बी बोलता है कि शायद तुमने क्रॉप्स का जूस पिया होगा। फिर वो एक चीज़ अपनी जेब से निकालता है और वो चीज़ को निकालने के बाद दिखाता है करके। तो जॉम्बी बोल बताता है कि जो तुम्हारे हाथ में है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे बरी करते टाइम पे मेरा था करके, और ये एक जेड प्लग है जो हमारी क्रॉप्स पे यूज़ किया जाता है। तो जॉम्बी ये सब बता रहा होता है हमारे वैम्पायर को। तो वैम्पायर बोलता है लेकिन तुम्हारे पे तो कोई भी प्लग नहीं है। तो क्या जॉम्बी बोलता है कि ये जो प्लग है वो सिर्फ एस्थेटिक के लिए यूज़ किया जाता है और सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास ये प्राइवेटली होता है। तो वैम्पायर सोचने लगता है कि ये क्या होता है, और तभी वैम्पायर सोचता है कि क्या तुम्हारे पास ईयर प्लग्स हैं। तो क्या कहता है हमारा जॉम्बी बोलता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी वैम्पायर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल सकते हो। अब दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं वैम्पायर एंड जॉम्बी, और हमारे जो वैम्पायर हैं वो खाना बना रहे होते हैं और वो बताता है कि हॉट पॉट हमारा वैम्पायर जो है वो हॉट पॉट बना रहा होता है और जो कि सूप है और जिसको पीने से उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अपने बनाए हुए हॉट पॉट को
चखने लगता है। और तभी वो पूछता है जॉम्बी को कि क्या तुम सच में कुछ नहीं खा सकते हो क्या, और यदि तुम ये नहीं खाओगे तो तुम इसे मिस कर दोगे। तो जॉम्बी जो है वो वैम्पायर को देखता है और तभी वो बोलता है कि जो तुमने हॉटपॉट बनाया उसमें मैं ना गार्लिक को ऐड करना चाहता हूँ, लहसुन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही वैम्पायर सुनता है गार्लिक, वैसे ही वो डर सा जाता है और बोलता है इसे मेरे पास से दूर रखो करके, और अपना बनाया हुआ हॉटपॉट जो है उसको छोड़ के कहीं भाग जाता है। तभी जॉम्बी सोचता है कि जॉम्बीज को जब बरी किया गया था तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बरी किया था, और हमारे यहाँ से सबने उनके साथ मेस किया था, और हम पुराने ज़माने में गार्लिक को पील करके हम घर लेके आते थे। और वो अपने हाथ में गार्लिक को लेके बैठा होता है और सोचता है कि वैम्पायर भाग क्यों गया। फिर वो क्या करता है कि गार्लिक के सारे छिलकों को बटोरता है और सोचता है कि जब मैं मरा था तो मैं बहुत ही यंग था, और मेरे जब मैं मरा था तो मेरे ऊपर शोक मनाने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैं ये जो गार्लिक की छिलके हैं उनको यूज़ करूँगा, ऐसे यूज़ करूँगा कि ये मेरे लिए मतलब जब मेरे ऊपर शोक मनाएंगे मतलब ये गार्लिक के छिलके, और ये मैं अपने आप को ही ऑफ़र करूँगा। और ऐसे सोच के वो बैठा होता है, तभी वैम्पायर वापस आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बोलता है कि अरे तुम कितने पुअर हो करते हैं। और फिर वो कुछ पेपर स्टिक्स देता है तो ज़ॉम्बी पूछता है तुम क्या ये मेरे लिए बाय करने के लिए गए थे क्या, तो वो बोलता है हाँ मैं ये सब बाय करने गया था और ये सब जो है नर्क का पैसा है करके, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसके हाथ में कुछ पेपर के स्टैक्स होते हैं जिन्हें वो अपने आंसू पोंछने के लिए यूज़ करने वाला होता है और हॉटपॉट भी खाने वाला होता है उसी के सहारे। और तभी वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और कभी थे भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे डेथ का शोक ज़रूर मनाऊंगा। और उसके बाद वैम्पायर देखता है उसका हॉटपॉट जो अभी भी बन रहा है और अपने मन में सोचता है कि मैं उसे बता नहीं सकता कि मैं जो वापस आया हूँ वो मैं बचा हुआ हॉटपॉट खाने के लिए वापस आया हूँ। तो जॉम्बी बोलता है कि थैंक यू माय फ्रेंड कि तुमने मेरे लिए इतना किया, और अपना गार्लिक उसको देने लगता है एज ए गिफ्ट। तभी जॉम्बी वैम्पायर के सिर पे एक कुछ उगा सा होता है हॉर्न की तरह, उसको देख के पूछता है कि ये क्या है और क्या ये बैम्बू शूट है क्या। तो वैम्पायर बताता है कि ये बैम्बू शूट नहीं है, मैं इसे जियो बुलाता हूँ करके, और बताता है कि जब मैं एक रेगुलर डीमन था तो ये एकदम रेडी था। और तभी ज़ॉम्बी पूछता है कि ये किस चीज़ के लिए होता है, तो वैम्पायर बताता है कि ये एक्चुअली हमारे स्ट्रेंथ में डिफरेंस पैदा करने के लिए होता है डीमंस के बीच में, और जब हम हमारा हॉर्न पहनते हैं तो हम फाइट लाइन में आते हैं और फाइट कर सकते हैं, अपने हॉर्न से हम फाइट करते हैं करके, और हम लोग अपने इसकी जियो की जो है लेंथ को मेज़र भी कंपेयर करते हैं और मेज़र भी करते रहते हैं। तभी जॉम्बी जो है वो जाता है और उसके जो ये उगा हुआ सींग होता है उसके ऊपर हाथ लगाता है, तो वैम्पायर बोलता है कि तुम थोड़ा जेंटली मेरे जियो को छुओ क्योंकि ये अभी नया नया है, यदि ये टूट गया तो इसे वापस ग्रो होने में 100 साल लग जाएंगे। जॉम्बी छूता है वैसे ही वो उसका जो हॉर्न है वो टूट के जॉम्बी के हाथ में आ जाता है, तो जॉम्बी सोचता है कि अब वो क्या करे, तो वो वापस उस हॉर्न को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर को रोना आ जाता है, वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि मेरा जियो जो है वो वापस करो, मेरा जियो वापस करो, और वो बहुत फूट फूट के रोने लगता है, तो वैम्पायर उसको सॉरी बोलता है। तभी जॉम्बी को लगता है कि अब वो क्या करे, जियो रो रहा है और बार बार अपना हॉर्न वापस भी मांग रहा है, तो जो जॉम्बी है वो उठता है और एक फूल जो है उसको तोड़ के लाता है और वैम्पायर के बालों में जहाँ पर हॉर्न लगा हुआ था वहाँ पर वो फूल लगा देता है। अब जब वो ये फूल लगा देता है तो हमारे वैम्पायर का रोना बंद हो जाता है और वो पूछता है कि क्या ये सुंदर दिख रहा है,
तो ज़ॉम्बी बोलता है कि हाँ ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी को नर्वसनेस फील हो रही होती है। तभी वैम्पायर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। तभी क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि ये जो हॉर्न है इसको अब दफनाना चाहिए करके, तो हॉर्न की एक ग्रेव बनाते हैं। और वहाँ पर हमारा वैम्पायर बोलता है कि तुम रेस्ट इन पीस करो, और ये आदमी तो पहले ही मर चुका है, तो अब कोई दूसरा तरीका नहीं है इसे फिर से मारने का, और अब मैं तुम्हें क्या कहते हैं अवेंजर नहीं कर सकूँगा। तो जॉम्बी भी बोलता है ठीक है भाई रेस्ट इन पीस कर लो, और बोलता है कि जब तुम्हारा फिर से जियो उगेगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारी जगह पे, और तब तक तुम मेरे पैलेस में आके रहो। तो वैम्पायर बोलता है ठीक है चलो, तुम्हें इतना तो पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है करके। और तभी हमारा वैम्पायर थोड़ा मुड़ के आगे जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे से ज़्यादा दूर मत रहना, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो जॉम्बी जो है उसने एक्चुअली वो जो उसका हॉर्न होता है उसे दफनाया ही नहीं होता है, वो उस हॉर्न को संभाल के रख लेता है। और तभी वैम्पायर जो है वो पीछे पलट के देखता है और बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो अब फिर बैठे क्यों हो, हरी अप करो हरी अप करो करके। तो जॉम्बी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ऐसा करके जॉम्बी उसके जो हॉर्न को अपनी स्लीव में छुपा लेता है। तभी वैम्पायर बोलता है कि जो तुम्हारा ग्रेव है वो उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हमें क्या है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा कह के वैम्पायर बोलता है कि चलो तुम मेरे घर पे चलो, देखो मेरा घर कितना अच्छा है। तो बोलता है चलो तुम यहाँ मेरे साथ रहो जॉम्बी, और मैं तुम्हारे साथ अपना बिस्तर भी शेयर करूँगा। तो जॉम्बी ओके बोल देता है। फिर जॉम्बी बोलता है कि मैं जो हूँ किसी और के बिस्तर पे नहीं सो सकता, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं अपना जो कॉफिन है उसको मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मतलब वो अपना कॉफिन इसके बेडरूम में लाना चाहता है। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम्हारे पास कॉफिन था भी कभी ऐसा, तुम तो हमेशा से धूल मट्टी में ही सोए हो, तो कॉफिन कहाँ से आया। तो हमारा जॉम्बी आगे जाता है और एक छेद के अंदर कूद जाता है, और जब वो छेद के अंदर कूदता है तो वैम्पायर भी उसके पीछे पीछे जाता है, और देखता है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो जॉम्बी बोलता है कि चलो चलते हैं, तो वैम्पायर सोचता है कि ये क्या चीज़ है। अब दिखाते हैं कि जहाँ उसके कॉफिन को गाड़ा गया था वहाँ नीचे बहुत ही बड़ा स्पेस है। तो वैम्पायर पूछता है कि ये इतना बड़ा स्पेस तुम्हारा है, तो जॉम्बी बोलता है ये इतना ही मेरा नहीं है, यहाँ जो सब कुछ है वो सब मेरा है, और ये जो माउंटेन का है उसका जो जितना भी रेंज फैली हुई है और अंडर माउंटेन के नीचे की जितनी भी ज़मीन है वो सब मेरी है, और वो सब मेरा टॉम्ब है करके। तो वैम्पायर की आंखें पटी की पटी रह जाती है, और वैम्पायर पूछता है कि भाई तुम मरने से पहले कौन थे। तो ज़ॉम्बी बताता है कि मैं मरने से पहले एक प्रिंस हुआ करता था। तो वैम्पायर बोलता है अच्छा, यानी कि तुम एक रॉयल थे। और ऐसा कह के वो ज़ॉम्बी के कॉफिन के पास टेक लगा के खड़ा होता है। तो वो बोलता है कि यदि तुम प्रिंस थे तो तुम इतने बड़े कॉफिन में क्यों सोते हो करके, और ये जो कॉफिन है, तभी जॉम्बी बताता है कि ये जो कॉफिन इतना बड़ा है ये इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ का कॉफिन है करके, इसमें दो लोग एक साथ फिट हो सकते हैं करके। तो वैम्पायर को ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है, और वो बोलता है कि तुम शादीशुदा हो करके। वैम्पायर को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है ये सोच के, और वो जाने लगता है तब, और बोलता है कि तुम मैरिड हो और तुम्हें मुझे छूना नहीं चाहिए। तो जॉम्बी जो है उसको बोलता है कि रुको भाई, उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है और बोलता है कि मैं तो हमेशा से सिंगल था, अपने पूरे लाइफ में सिंगल ही रहा हूँ, और मैं किसी के भी साथ यहाँ पर बरी नहीं किया गया था, मैं अकेला ही यहाँ बरी हुआ था। तो वैम्पायर पूछता है तो फिर तुम्हारे पास इतना बड़ा कॉफिन क्यों है, डबल कॉफिन क्यों है करके। तो जॉम्बी बताता है कि मेरा कॉफिन इसलिए बड़ा है क्योंकि मैं बड़े कॉफिन में सोना चाहता था,
मरने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए था, और ये बहुत ही अच्छा फील होता है कॉफिन के अंदर, बड़े कॉफिन और स्पेशियस कॉफिन के अंदर सोने में, जिससे कि मैं अंदर रोल कर सकूं करके। तो वैम्पायर बोलता है कि ठीक है, तुम अपने डबल कॉफिन के अंदर रोल भी कर सकते हो करके। तो फिर क्या होता है कि जॉम्बी वैम्पायर को गोदी में उठाता है। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जॉम्बी बोलता है, मैं तुम्हें कॉफिन के अंदर ले जा रहा हूँ जिससे हम दोनों कॉफिन के अंदर रोल कर सके। तो हमारा वैम्पायर सोचता है कि जॉम्बी को पता है कि कैसे एक ब्राइड को उठाया जाता है गोदी में। फिर तभी वो एकदम से बोलता है कि अरे भाई एक मिनट रुको, और वो पूछता है कि तुम अचानक हॉप करके क्यों चल रहे हो, और तुम इस तरह मेरी सारी हड्डियां जो है चटका दोगे। तो जॉम्बी उसको सॉरी बोलता है और बोलता है कि ये पुरानी आदतें हैं, जब मैं बहुत हैप्पी होता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऐसे हॉप करके मैं जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ। अब क्या होता है कि ये लोग कॉफिन के अंदर पहुँच जाते हैं और दोनों कॉफिन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे रोल करते रहते हैं। और तभी हमारा वैम्पायर बोलता है कि तुम किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे, और ऐसा बोल के वो अब पूछता है कि भाई तुम, जॉम्बी पूछता है कि भाई तुम बताओ तुम पहली बार कैसे मर गए थे। तो जॉम्बी से जब ये पूछा जाता है कि वो कैसे मर गया था, तो जॉम्बी बताता है कि मैंने अपनी बहुत सारा पैसा इस टॉम्ब को बनवाने में लगाया था, यानी अपनी कब्र को बनाने के लिए उसने लगाया था। तो हमारा वैम्पायर पूछता है कि फिर क्या हुआ करके। तो जॉम्बी बताता है कि मेरा जो कॉफिन था वो इतना बड़ा था और इतना अच्छा था कि मैं अपने कॉफिन को छोड़ ही नहीं पा रहा था। तो मैं यहाँ कॉफिन में कई दिन तक रहा, पर एक दिन क्या हुआ, जब सर्वेंट्स अपने शिफ्ट को चेंज कर रहे थे तो उन्होंने अचानक ना दरवाज़ा गलती से क्लोज़ कर दिया और मैं सफोकेट होके इस कॉफिन के अंदर ही मर गया करके। तो ऐसे हमारे जॉम्बी की डेथ हुई थी। अब क्या होता है कि वो बोलता है कि अरे ये तो कितनी दुख की बात है, चलो मुझे अंदर जाने दो करके। तो अब जॉम्बी की बारी, कि जॉम्बी पूछता है वैम्पायर से कि भाई तुम कैसे वैम्पायर बने। तो जो वैम्पायर है वो उंगली से अपनी बिल्ली की तरफ दिखाता है और बोलता है मैं इस बिल्ली की वजह से वैम्पायर बना। तो जॉम्बी बोलता है कि क्या ये रियल कैट है करके। तो वैम्पायर बोलता है हाँ ये रियल कैट है। फिर उसके बाद जॉम्बी भी मियाव करके आवाज़ निकालता है। तो फिर से वो पूछता है कि तुम आखिरकार वैम्पायर कैसे बने। तो वो बताता है कि एक दिन की बात है कि वो दिन बहुत ही अच्छा और फैमिलियर सा लग रहा था, और मैं घूमते घूमते वापस उस पेड़ के पास पहुंचा जहां तुमने मुझे पाया था। वहां पर एक बिल्ली उल्टा लटकी हुई थी, और जब उस बिल्ली ने मुझे देखा तो उसने मुझे म्याऊ किया, और मैं उस बिल्ली को देख के बहुत खुश हो गया था और मैंने कहा अरे वाह कितनी अच्छी किटी है। और ऐसा करके मैंने उस बिल्ली को सहलाया और मैंने उस बिल्ली से ये भी कहा कि अरे कितनी अमेजिंग हो तुम तो उल्टा अप्स एंड डाउन लटकना भी जानती हो, मैं भी ये चीज़ लर्न करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे ये सिखाओगी। तभी बिल्ली जो होती है वो आती है और मेरे सिर पे बैठ जाती है, और जब वो मेरे सिर पे बैठ जाती है तो उसी के कारण ये मैं जॉम्बी वैम्पायर में बदल गया, वैम्पायर बताता है। और मैंने ये भी लर्न कर लिया कि अप्स एंड डाउन कैसे मुझे लटकना है पेड़ों के ऊपर। तो हमारा जॉम्बी पूछता है कि क्या ये कैट भी वैम्पायर है। तो हमारा वैम्पायर बोलता है कि ये कितना अमेजिंग है ना कि मैं एक ऑर्फन था, मतलब मैं एक अनाथ था, और अब मैं वैम्पायर भी हूँ, और जिसने मुझे अभी अपने गले से लगाया हुआ है, मतलब ये जो किटी है अब वो मेरी रिलेटिव है, और इसका मतलब ये है कि ये जो किटी जो है वो मेरी फादर है करके वैम्पायर बताता है। और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा क्यूट से हैं करके। तभी उनकी जो किटी है वो मियाव करके एक आवाज़ निकालती है, और जॉम्बी भी उस किटी को देखता है। अब जैसे ही जॉम्बी को पता चलता है कि ये जो किटी है वो वैम्पायर के फादर हैं, तो हमारा जॉम्बी एकदम स्ट्रेट पोजीशन ले लेता है और किटी को फादर बुलाता है करके। तभी क्या होता है
कि उनके इस टॉम्ब में, मतलब इस कब्र में, क्योंकि ये कब्र तो बहुत बड़ी है, तो एक आदमी आता है और नीचे कूदता है, काफ़ी सारा सामान लेके आता है और बोलता है कि मैं भाई इस कॉफिन के अंदर आ सकता हूँ, और ये जो कॉफिन है बहुत ही लेजेंडरी आदमी का था, और ये जो कॉफिन है ये इसको यहाँ तक आने में उसे एक माउंटेन को क्रॉस करके आना पड़ा। और वो सोचता है कि जो कॉफिन है जो सामने है वो कॉफिन ज़रूर ओनर का कॉफिन होगा, तो मैं इस कॉफिन के अंदर देखता हूँ कि कुछ अच्छा सामान भी है क्या। तो वो कॉफिन को खोलता है। अब जैसे ही वो कॉफिन को खोलता है बड़ी मेहनत से, उसके अंदर वो किसी को देखता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और तभी वो दूसरी तरफ देखता है और वो देखता है कि इस कॉफिन के अंदर दो लिविंग थिंग्स रह रही हैं। उसे लगता है कि जो अंदर लोग हैं वो जिंदा लोग हैं करके। और तभी हमारा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है कॉफिन से। तो हमारा ये जो आदमी आया है वो बोलता है कि भाई ये जो कॉफिन का मालिक है वो तो ज़ॉम्बी में बदल गया है, और यहाँ पर बहुत सारे गधे के पैर भी रखे हुए हैं, हूफ्स रखे हुए हैं, और इतने सारे क्यों हैं यहाँ पर, ऐसे गधे के पांव क्यों हैं यहाँ पर इतने सारे। और तभी एक गधे का पांव उठाता है, हूफ को उठाता है और जॉम्बी के मुंह के ऊपर मार देता है। जॉम्बी उसको पकड़ता है और बोलता है कि ये काले रंग की चीज़ क्या है। वैम्पायर भी ये देखता है और वैम्पायर भी बोलता है कि ये काले रंग की चीज़ क्या है। तो ये जो हमारा आदमी आया होता है वो बोलता है कि ये ऑफरिंग है करके, ये कुछ ऑफर कर रहा है। और तभी अपने मन में सोच रहा होता है कि जॉम्बी उसके इतने क्लोज आके खड़ा है तो शायद अब वो मर जाएगा यहाँ पर जॉम्बी वो जो डोंकी हूफ्स होते हैं वो लेके आता है और इस आदमी के हाथ में रखता है और बोलता है कि भाई इसको क्या करो, ले जाओ और नेक्स्ट रूम में जाके रख दो, और ये जिस रूम में तुम्हें जाना है वो रूम यहाँ से थर्ड राइट है करके, तुम्हें यहाँ से जो तीसरा कमरा पड़ेगा राइट में वहाँ तुम्हें जाना है। और तभी यह आदमी सोच रहा होता है कि भाई ऐसा क्या ही हो रहा है। तो जॉम्बी बोलता है कि आज तक कोई भी मेरे लिए ऑफरिंग नहीं लेके आया है, तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो वैम्पायर पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर आज खाना खाने के लिए रुकोगे क्या? और बड़ा होपफुल होता है, उसे बड़ी उम्मीद होती है कि ये अनजान आदमी जो आया है वो उनके यहाँ खाना खाने के लिए रुकेगा। और जॉम्बी की भी यही होती है कि जॉम्बी भी बहुत होपफुल होता है कि अनजान आदमी भाई यहाँ खाना खाने के लिए रुकेगा। और ये जो अनजान आदमी होता है इसको समझ में नहीं आता ये कैसे डील करे, तो ये बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा नाइस लोग हो करके। अभी क्या होता है कि ये देखता है कि वहाँ बहुत सारे डोंकी के हूफ्स हैं और सोचता है कि इतने सारे डोंकी के हूफ्स क्यों हैं यहाँ पर। और तभी जॉम्बी बताता है कि ये सब मैंने यहाँ इसलिए रखे थे कि भाई मैं भी किसी को ऑफरिंग दूंगा करके। और तभी ये आदमी सोचता है कि ये देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल जॉम्बी है और ये अच्छा है कि मैंने इसके साथ डायरेक्ट फाइट नहीं किया। और तभी हमारा जॉम्बी बोलता है कि जो हूव्स तुमने दिए हैं ये बहुत ही स्पेशल हैं और हमारा वैम्पायर इसे पसंद करता है। तो ये जो आदमी आया है जो सामान चोरी करने के लिए आता है वो अपने मन में सोचता है कि इसमें क्या ही स्पेशल है, और ये तो जो है एक आखिरकार किसी चीज़ के पैर है, और जो मेरे जो पैर हैं वो ऐसे पैर नहीं दिखते हैं, ये मेरे पैर अलग हैं और ये जानवर के पैर हैं। उतनी देर में वैम्पायर आ जाता है अपने हॉट पॉट को लेके। और तभी जॉम्बी बोलता है कि क्या तुमने बीन्स और नूडल्स भी लाए हो और पिग ट्रॉटर भी लाए हो, कि सिर्फ तुम सिर्फ सूप ही ले आए हो, और यदि सूप के साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो सूप अच्छा नहीं लगेगा। और तभी हमारा जो ये है चोर है वो सोचता है कि अरे ये तो पिक टॉटर है करके। तभी वैम्पायर बोलता है कि ये सब कुछ जो है सब कुछ तुम्हारा ही है करके, और ये बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे हूव्स थे लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं, नहीं तो मैं इन सबको खाता, ये सब मुझे पसंद है। तो वैम्पायर बोलता है कि ठीक है चलो हम कुछ नेगोशिएशन करते हैं, ये सब तुम अकेले ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम ये मुझे दे सकते हो करके। तो जॉम्बी बोलता है कि ठीक है ये सब तुम्हारा है,
और तभी ना हमारा वैम्पायर बहुत खुश हो जाता है और एक केस हमारे जॉम्बी के चेहरे पे कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा कह के वो जॉम्बी को अपने गले लगा लेता है। अब ये जो चोर आया होता है ये इन दोनों को बस देखे पड़ा होता है और तभी वैम्पायर बोलता है कि ये जो सूप है ये बहुत ही टेस्टी है और जॉम्बी उसको अपने हाथों से खिला रहा होता है और बोलता है ठीक है तुम अगली बार भी इसे बनाना करके। इन दोनों को इतना खुश देख के चोर बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई क्या ही चल रहा है ये सब, और वो इन लोगों को एकटक आंखों से देखता रहता है। अब क्या होता है कि जॉम्बी बोलता है कि चूंकि तुम यहाँ आए हो और तुमने मुझे ऑफरिंग दी थी, मतलब जब वो मरते हैं लोग तो हर लोग उनके मरने पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हमारा जॉम्बी मरा था तो वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं था और ये पहला आदमी है जो यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, तो ये जॉम्बी बोलता है कि इसके बदले में, क्योंकि तुम मुझे यहाँ देखने आए ऑफरिंग देने आए, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ कंपनसेशन देना चाहता हूँ। तो ये जो चोर होता है बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इसको लगता है कि बहुत सारा वैल्यूएबल सामान होगा, और वो बोलता है रियली? तो जॉम्बी बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे चैम्बर में जाओ और वहाँ से तुम्हें जो पसंद आए वो पिक कर लेना। तो जो चोर है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ग्रेट बात है और ऐसा करके वो निकल पड़ता है। और तभी वो सोचता है कि यहाँ इतने सारे चैम्बर हैं और तो इन सभी में बहुत अच्छा स्टफ़ होगा, तो वो एक चैम्बर में पहुँचता है। तो तभी वैम्पायर की आवाज़ आती है और बोलता है भाई उस वाले रूम में मत जाना ईस्ट के रूम में, क्योंकि ईस्ट की तरफ के जो रूम है उसमें मैंने लॉन्ड्री बना दी है, जब से मैं यहाँ मूव इन हुआ हूँ तब से मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री बना दी है, क्योंकि कहीं तो कपड़े धोने को उनको जगह चाहिए थी। तो चोर पूछता है कि यहाँ कोई और भी चैम्बर्स हैं जहाँ पर वैल्यूएबल स्टफ़ हो, मतलब काम का सामान हो। तो अब वो एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहाँ पर एक किटी बैठी होती है। अब ये किटी तो भाई फादर है, तो जॉम्बी की आवाज़ आती है कि भाई तुम ठीक से जाना वेस्ट के चैम्बर में, क्योंकि वहाँ पर हमारे फादर बैठे हुए हैं और हमारे फादर जो हैं वो काट लेते हैं। तो जो थीफ है उसको बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट लगता है और बोलता है ये भगवान ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर तो इतने सारे चैम्बर्स हैं और हो सकता है कि मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी मिल जाए। तो एक चैम्बर में पहुंचना जहाँ पर बहुत सारे गार्लिक ही गार्लिक भरे होते हैं। तो वैम्पायर बोलता है कि ये किस तरह का स्मेल आ रहा है, और तभी वो बोलता है कि हम यहाँ पर गार्लिक तुम जमा कर रहे हो वो भी मेरे पीठ पे अच्छे, और तुम जाओ और जाके सारे गार्लिक्स को फेंक दो। तो जॉम्बी बोलता है नहीं मैं इनको नहीं फेंकूंगा करके। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरी में एक जगह पे वो पहुंचता है चोर, और सोचता है कि ये वाला जो चैम्बर है इसमें ज़रूर कुछ काम का सामान होगा। अब जैसे ही सोचता है कि ये कहाँ काम का सामान होगा, वहीं तभी जॉम्बी बोलने लगता है कि तुम इस सारे सामान को नहीं ले सकते। तो चोर बोलता है कि क्यों नहीं ले सकते, तो जॉम्बी बताता है कि मेरा जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर है वो इसके अंदर छुपा हुआ है और मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तभी थीफ बोलता है यानी चोर बोलता है कि लेकिन ट्रेजर ही तो लेना वर्थ इट होता है ना, ट्रेजर का ही तो काम है। तो हमारा जॉम्बी बोलता है कि तुम कुछ ट्रेजर ले सकते हो लेकिन तुम वो सारे ट्रेजर ले सकते हो जो थोड़ा कम कीमत के होंगे, और ऐसा कह के उसको कुछ एक वो दिखाता है, कुछ उसके हाथ में टी कप पॉट जैसा है वो दिखाता है उसको। और तभी हमारा ये जो है चोर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं सच में इसे ले सकता हूँ, और वो उसे लेके निकलता है और उसे थैंक यू बोलता है, और जॉम्बी उसको देखता है जाते हुए। इस खजाने में सिर्फ उसका हॉर्न रखा होता है जो हॉर्न उसके द्वारा तोड़ दिया गया होता है। तभी चोर आता है और बोलता है कि अब शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम हम लोगों को वापस विजिट करना करके, और बाय कह देता है। और तभी चोर बोलता है ठीक है थैंक यू और अब मैं जा रहा हूँ। तभी ये दोनों बोलते हैं कि एक मिनट रुको, हमें ये जितना भी ट्रैश है ये सब बाहर फेंकने में मदद करो। और फिर चोर वो सारा ट्रैश लेता है, एक तरफ गार्लिक के छिलके लेता है और दूसरी तरफ कैट का पूप लेता है, और बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ।
तभी वेम्पायर बोलता है कि नहीं, 1 मिनट और रुको, हमें लाइट बंद करने में भी मदद करो। और इस बार वो चोर लाइट बंद करता है और बोलता है ठीक है, इस बार मैं वाकई में जा रहा हूँ। तभी इस बार जॉम्बी बोलता है कि 1 मिनट रुको, और बोलता है कि अगली बार जब तुम आओगे तो हमारे लिए तुम चिकन लेके आना, मैं चिकन सूप मशरूम के साथ बनाना चाहता हूँ करके। और तभी वैम्पायर भी बोलता है कि तुम टोफू और डक भी लेके आना, और साथ में शिमला मिर्ची भी लेके आना, और साथ में चिली पेपर भी लेके आना, और कोई तुम्हें और अच्छे मसाले दिखे तो वो भी लेके आना। तो चोर इन दोनों की बातें सुनता है और बोलता है कि ठीक है। और तभी जॉम्बी बोलता है कि भाई, मरने के बाद जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी फ्लेक होके निकलने लगती है, तो क्या तुम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी ले आओगे क्या? और तभी वेम्पायर बोलता है कि क्यों ना हम इसे अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, और हमें जो भी चाहिए होगा हम इसी से मंगवा लिया करेंगे। चोर फिर इन दोनों की बातें सुनता है। अब चोर वाकई में जा चुकाता है, अपनी गाड़ी में बैठ के व्रूम व्रूम करके जाता है, और व्रूम व्रूम करके वापस भी आता है। अब वापस चोर आता है, इस बार वो सारा सामान लेके आता है, और वो वापस उसी गड्ढे में कूद जाता है और बोलता है कि तुम्हारी डिलीवरी में ले आया हूँ, और ये हमारी कैट भी यहाँ पर है, मैं जाके अपनी किटी को लेके आता हूँ। और तभी वैम्पायर बोलता है कि इस बार 99 जो पैसे हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्सीड हो गए हैं करके, क्या तुम अपनी थोड़ा डिलीवरी फीस कम करोगे? तो चोर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब हमारा ये जॉम्बी और वेम्पायर एक कमरे में बैठे होते हैं, और जॉम्बी बोलता है कि हमें कोई फ्रेश ब्लड बैंक ढूंढना चाहिए करके। और तभी वेम्पायर बोलता है कि एक वेम्पायरों की बहुत ही हाई क्लास गैदरिंग होने वाली है, जहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर्स आएंगे और अटेंड भी करेंगे, और उनका जो ड्रेस कोड है वो इस तरह का कुछ है कि उनको एक स्पेशल ड्रेस चाहिए करके, जो तुम्हारे नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। तो वैम्पायर बोलता है कि लेकिन मैं तो नोबल नहीं हूँ, मेरी जो डैड हैं वो तो कैट हैं, और ये जो मेरे डैड हैं वो मुझे कैट फर के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी फैमिली नहीं है, तो अब कौन मुझे कपड़े देगा करके, ऐसा करके वो रोने लगता है और जॉम्बी के गले में लिपट जाता है और बहुत ज़ोर से रोता है करके, और बोलता है कि मैं अपना ड्रेस कोड भी फुलफिल नहीं कर सकता हूँ, और मैं ये पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊँगा करके। तभी जॉम्बी बोलता है कि जो क्लोथ्स उन लोगों ने मेंशन किए पार्टी में पहनने के लिए, वो सारे क्लोथ्स मेरे पास हैं। तभी वैम्पायर पूछता है सच में, और तभी वैम्पायर बोलता है कि लेकिन तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं वो तो सब गाउन हैं, और उनके सारे डिज़ाइन भी सेम हैं, और मैंने उन कपड़ों को पहले तुम्हारे लिए धोया भी था। तभी जॉम्बी उसको लेके जाता है दूसरे कमरे में और दिखाता है कि वहाँ बहुत सारे कपड़े वैरायटी में टंगे हुए हैं, जिसे देख के वैम्पायर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो तुम ये एक इतना बड़ा लंबा सा गाउन क्यों पहन के घूमते रहते हो? तो जॉम्बी बताता है कि जब मैं ज़िंदा था तो मेरे सर्वेंट्स जो थे वो मुझे कपड़े बदलने में मदद करते थे, फिर जब मैं मर गया तो ये जो लंबा गाउन है सिर्फ यही मुझे पहनना आता है, इसके अलावा मुझे दूसरे कपड़े पहनना नहीं आता है। तो वैम्पायर बोलता है अच्छा। अब वैम्पायर जॉम्बी के दिए हुए कपड़ों में बदल के आता है और पूछता है कि वो कैसा लग रहा है। तो जॉम्बी उसको देखता है और बोलता है तुम अच्छे लग रहे हो, और बोलता है, तभी वैम्पायर बोलता है कि मैं एक पार्टनर को भी पार्टी में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसको अपने साथ पार्टी में ले जाऊँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो जॉम्बी की तरफ देखता है। तभी जॉम्बी आता है और वैम्पायर को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे लेके जाओ करके। तो वैम्पायर बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है, ये बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े चेंज करने में मदद करता हूँ।
और तुम्हारा जो स्किन है वो ना हरे रंग का है, तो मैं इस स्किन पे थोड़ा मेकअप भी करता हूँ, और आज हम तुम्हारे बालों की चोटी नहीं बनाएंगे करके ऐसा करके उसके वो लंबे बालों को कंघी वंगी करता है और बोलता है इधर मुझे दिखाओ कि तुम कैसे दिख रहे हो करके। अब हमारा जो जॉम्बी है वो उसका कलर बदल बदल चुका होता है, वो अच्छे कपड़ों में है, ऊपर से उसने मेकअप भी किया हुआ है, अब वो हरे रंग का नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है करके। तब जो हमारा वैम्पायर है वो बस उसको देखता ही रह जाता है और बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, तुम बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल दिख रहे हो, ऐसे में तो दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तुम्हें देख के, ऐसा कह के वो जॉम्बी को धक्का देने लगता है। तो जॉम्बी बोलता है भाई ऐसा मत करो मेरे साथ। अब क्वेश्चन आता है कि ये लोग उस पार्टी में कैसे पहुँचेंगे, तो जॉम्बी बोलता है कि हम भाई कैसे पहुँचेंगे उस पार्टी में, तो वैम्पायर बोलता है भाई ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब है और मेट्रो जो है वो थोड़ा फास्ट होगी, तो हमें क्या है कि माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा और मेट्रो के स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो जॉम्बी बोलता है मेट्रो, तो वैम्पायर उसे बताता है कि हाँ मेट्रो जो अंडरग्राउंड चलती है करके, तो जॉम्बी बोलता है ठीक है फिर तुम मुझे फॉलो करो, और फिर ऐसा कह के वो वैम्पायर का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, तो वैम्पायर को और वो दोनों साथ चल रहे होते हैं, और तभी जॉम्बी बोलता है कि हम आ चुके हैं, और वो पूछता है तुम इसी की बात कर रहे थे ना, तो हमारा वैम्पायर देखता है और बोलता है हम कहाँ पर हैं, और फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है ट्रेन पे और वो ये देख के चौंक सा जाता है, और तभी वो दोनों मेट्रो में चढ़ते हैं और बैठते हैं। तो जॉम्बी बताता है कि मुझे बहुत डर था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना जो कब्र है उसको यहाँ मेट्रो के रास्ते से कनेक्ट कर दिया था, और जिससे यहाँ पर काफ़ी हैवी क्राउड रहेगा और मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। ये सुन के वैम्पायर थोड़ा सा भौचक सा रह जाता है। तभी जॉम्बी बताता है कि इतने सालों के बाद ये जो एरिया है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो हमारा वैम्पायर पूछता है कि भाई तुम इतने समय से यहाँ पर हो तो तुम इतने समय तक तुम छिपे कैसे रहे, तुम्हें किसी ने अभी तक फाइंड आउट क्यों नहीं किया करके, और क्या तुम एक कोई ड्यूक व्यूक हो क्या किसी किंगडम के करके। ये दोनों पार्टी में पहुँच चुके होते हैं, और ये जो पार्टी जहाँ पर रखी होती है हॉल बहुत ही चमक धमक से भरा होता है। तभी एक वेटर आता है और बोलता है कि भाई साहब आप शरबत वरबत पीना चाहेंगे, ऐसा करके वैम्पायर बोलता है हाँ, और फिर दोनों ही एक ग्लास उठाने लगते हैं, और जॉम्बी वो ग्लास पहले उठाता है, तभी वैम्पायर बोलता है कि क्या हुआ करके, और तभी जॉम्बी बोलता है कि एक मिनट रुको, और वो सारा का सारा जो ड्रिंक है उसको एक पॉट के अंदर वो डाल देता है, और उसके अंदर वो बहुत सारे खजूर भी डालता है करके और वुलबेरी भी डालता है, और फिर पॉट को ढक देता है, और वहाँ कैंडल जल रही होती है तो उस पर गर्म करता है, गर्म करने के बाद वो उसको वापस ग्लास में डालता है, तो वो थोड़ा सा हॉट सा होता है और उसको पीने के लिए देता है, और तभी जॉम्बी बोलता है कि मैं तुम्हें गर्म ड्रिंक इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि ये तुम्हारे बॉडी को वार्म रख सके और ये तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा भी होगा, तो वैम्पायर जो है वो बोलता है ओके। अब सीन शिफ्ट होता है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं पार्टी में, लेकिन हमारा वैम्पायर जॉम्बी से कह रहा होता है कि मैं और ड्रिंक पीना चाहता हूँ, तभी वहाँ एक आदमी बोलता है कि मेरे फादर जो हैं यान डोंग शान वो इस नॉर्थ वेस्ट एरिया में उनको सभी जानते हैं, फिर तो एक और एक आदमी बोलता है कि मेरे जो फादर हैं क्वीन डर्न उनको जीनेक्स करके जीनेक्स उनका बेटा है उनको सब जानते हैं, और तभी तीसरा आदमी बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा छोटा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, तो फिर दूसरा आदमी पूछता है कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स कितने फेमस हैं, तो ये गोल्डन बालों वाला आदमी बताता है कि मेरी जो माँ है वो वाकई में सभी लोगों को जानती होंगी और दूसरे लोग भी मेरी माँ को जानते होंगे, तभी एक लेडी जिसके गोल्डन बाल होते हैं वो सीढ़ियों पे से उतर के आ रही होती है,
और सब बोलते हैं कि लेडी टेल हियर, लेडी टेल हियर, लेडी टेल इनका नाम है। तभी लेडी बोलती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि तुमको दरवाज़ा बंद करना चाहिए, जब तुम निकलो कहीं से तो दरवाज़ा बंद करके निकला करो, कितने अनडिसिप्लिन हो तुम। तो जो लड़का है वो आके बोलता है कि मदर मुझे माफ़ करना, मैं अगली बार से दरवाज़ा बंद करके ही आया जाया करूँगा। तभी वैम्पायर अपने मन में सोचता है कि क्या ये वैम्पायर लेडी है, वैम्पायर टेल्स लेडी है क्या। तभी गोल्डन हेयर वाला आदमी बोलता है कि हाँ ये वही हैं, और बताता है कि जो मेरी मदर हैं वो बहुत ही सीनियर हैं हमारे वैम्पायर वर्ल्ड में, और उनके जो जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तभी वो एक आदमी और होता है जो बाजू में खड़ा होता है, वो बोलता है कि हाँ भाई वाकई में तुम्हारा जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही अमेजिंग है करके, तो मुझे माफ़ करना जो भी मैंने पहले कहा उसके लिए। तभी गोल्डन हेयर वाला आदमी पूछता है ये हमारे वैम्पायर से कि भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो ये वैम्पायर बोलता है मैं, और फिर वो अपनी किटी को आगे लेके आता है और दिखाता है कि ये मेरे फादर है, और ये जो सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट वैम्पायर है पूरे वर्ल्ड में। सभी लोग सुन के हंसने लगते हैं और बोलते कि अरे ये बिल्ली करके। तभी जो लेडी टेल है वो देखती है और बोलती है कि ये बिल्ली, और जाती है और जाके हमारे वैम्पायर के हाथ से वो बिल्ली को अपने हाथ में लेती है। तभी गोल्डन हेयर वाला लड़का बोलता है कि मदर क्या आपको ये बिल्ली पसंद है, मैं तुम्हारे लिए ख़रीद सकता हूँ ये बिल्ली। तभी वो औरत बोलती है फादर मुझे आपको फिर से देखने का मौका मिला। जैसे ही वो बिल्ली को फादर बुलाती है सबके सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो बताती है कि ये वैम्पायर कैट है और इस कैट ने मुझे भी हक किया था, और अपने सारे बच्चों को बोलती है कि अपने ग्रैंडफादर को हेलो कहो करके। तो सारे के सारे जितने भी वैम्पायर्स वहाँ पर खड़े होते हैं इस बिल्ली को अपना ग्रैंडफादर समझ के हेलो ग्रैंडफादर बोलते हैं। और तभी ये जो लेडी है वो हमारे वैम्पायर से पूछती है कि भाई तुम क्यों नहीं इसको ग्रीट कर रहे हो करके। तो बिल्ली, इससे पहले वैम्पायर कुछ बोले बिल्ली रिस्पॉन्स देती है मियाओ। और तभी ये जो लेडी है वो आती है और उस लड़के हमारे वैम्पायर के हाथ में हाथ डालती है और बोलती है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, और सभी लोग दूसरे बच्चों को बोलती है कि अपने भाई को हेलो कहो। तो सारे लोग अपने बोलते हैं हेलो। तभी दिखाते हैं कि हमारा जॉम्बी भी हाथ में एक ग्लास लिए खड़ा है, और हमारा वैम्पायर बोलता है कि इधर आओ मैं तुम्हें अपने लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और बताता है कि ये मेरी ओल्डर सिस्टर है जो वैम्पायर की सबसे बड़ी और पुरानी वैम्पायर है लेडी टेल्स करके। तो लेडी टेल्स हेलो बोलती है, लेकिन जैसे ही वो जॉम्बी को पास से देखती है वो बस देखती रहती है और बोलती है कि योर हाइनेस आप तो बहुत पहले मर चुके थे। तो हमारा जॉम्बी बोलता है अच्छा तो ये तुम हो, तुम्हारे अपने बालों का कलर भी चेंज कर लिया जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहली नज़र में पहचान नहीं पाया। तो सब लोग वहाँ पर गॉसिप करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी कौन है, क्या लेडी टेल्स का ओल्ड फ्रेंड है क्या। और तभी वैम्पायर भी पूछता है कि भाई तुम ये लेडी टेल्स को जानते हो क्या। तो जॉम्बी बताता है कि इसे पहले एक्साओ सुई कहा जाता था, और ये मेरे मैनर में मेड का काम करती थी, और जब ये मूव हुई थी मेरे टॉम गार्डन गार्ड की शिफ्ट में, तो जो कि वहाँ पर उस दिन चुड़ैल को ढूंढ रहे थे। तो तभी जॉम्बी बोलता है कि ये जो तुम्हारे तुम्हारे लाइफ के डीड पेपर है वो मेरे पास हैं, और मैं तुम्हें ये रिटर्न करना चाहता था उस टाइम पे, बट मैं तुम्हें कहीं फाइंड नहीं कर सका, इसलिए मुझे चांस नहीं मिला तुम्हें ये पेपर देने के लिए। और वैसे भी मुझे तो तुमने एक्सीडेंटली मेरा कॉफिन बॉक्स बंद कर दिया था जिसकी वजह से मैं सफोकेट होके मर गया था, तो अब मैं इसको कब से अपने साथ लेके घूम रहा हूँ, तो ये तुम अपने लाइफ के जो डीड्स हैं, लाइफ पेपर्स हैं, वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और तभी जॉम्बी बोलता है कि ये लकी हूँ मैं कि मैंने इनको कभी भी
खोया नहीं, और आज इतने सालों के बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारी ज़िंदगी के पेपर दे रहा हूँ करके। तभी ये लेडी आती है और बोलती है कि योर हाइनेस, मैं आपको पंखा कर देती हूँ, क्या इतना पंखा ठीक है क्या? तभी जॉम्बी बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा पंखा करोगी तो मेरा जो बॉडी है और कूल होता जाएगा करके। तो तुम एक काम करो, ये जो पंखा है वो अपने भाई को क्यों नहीं करती हो, मुझे करने की अपेक्षा तुम अपने भाई को ये पंखा करो। तभी गोल्डन हेयर वाला लड़का आता है और बोलता है कि मदर, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और मैं आपकी जगह पे इनको पंखा कर देता हूँ। और आप जो, तभी मदर बोलती है उसकी कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे फादर के साथ बातें करती हूँ करके। तभी ये गोल्डन हेयर वाला आदमी आता है और जॉम्बी को देखता है और बोलता है कि भाई ड्यूक, तुम वाकई में बहुत हैंडसम हो करके, और बोलता है कि मुझे तुम्हारे को टेस्ट करने दो। तभी हमारा वैम्पायर आ जाता है और बोलता है तुम उसे छूने की भी कोशिश मत करना, डोंट टच हिम करके। और ये गोल्डन हेयर वाले आदमी का हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है और उसको साइड में खींचता हुआ ले जाता है और बोलता है, तभी हमारा गोल्डन हेयर वाला आदमी बोलता है कि तुम मुझे इसलिए बुरी कर रहे हो क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो करके मेरा हाथ जो है वो दुख रहा है। तो वैम्पायर बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ इधर आओ करके। अब वैम्पायर इस आदमी को कोने में लेके आता है और वो बोलता है कि भाई नेफ्यू, ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जॉम्बी है वो बहुत ही हॉरेबल टेस्ट करता है और मैंने तो इसे एक्सपीरियंस भी किया है, और मैं ये जो है 1000 ईयर्स पहले ही ये जो है वो एक्सपायर भी हो चुका है, और इसका जो जूस है, इसके क्रॉप्स का जूस है, वो भी कुछ अच्छा नहीं है। मैंने एक बार इसका ब्लड पिया था तो मुझे 10 दिन के लिए डायरिया लग गया था, तो तुम ये गलती दोबारा मत दोहराना। तभी ये सारी बातें ना जॉम्बी सुन लेता और वो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही मेरा जो टेस्ट है वो बहुत ही हॉरिबल है करके, और थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी वैम्पायर आता है वापस और उसके गले में हाथ डालता है जॉम्बी के और बोलता है लेकिन बाकी सब तुम्हारे उसमें सब कुछ ग्रेट है और मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। और तभी जॉम्बी बोलता है कि तुम इसको थोड़ा ज़ोर से बोलो, मेरे जो कान है वो क्या कहते हैं ढके हुए हैं और मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। तो वैम्पायर जो है वो बहुत ज़ोर से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और इतनी ज़ोर से बोलता है कि उसके नेफ्यू के कान में लगने लगता है। तभी नेफ्यू बोलता है वैम्पायर को कि अंकल आप मेरे साथ इस तरफ आइए, और वो उसके कान में बोलता है कि भाई इसका बैकग्राउंड जो है वो ठीक है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, और ये क्या काम करता है, क्या ये किसी बिग कैसल वगैरह इसके पास है क्या, और इसके कैसल का लोकेशन अच्छा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हें एक्सपायर ब्लड वगैरह भी देता हो। तभी हमारा वैम्पायर बोलता है कि तुमने एक चीज़ देखी कि सबके सब लोग यहाँ से भाग चुके हैं करके, और तभी नेफ्यू बोलता है कि हाँ सबके सब लोग कहाँ गए। तो ये लेडी आती है, लेडी टेल आती है और बताती है कि जितने भी बच्चे थे वो सब बैट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और सबके विंग्स भी निकला हैं, और क्या तुम लोग नहीं जाओगे? तो वैम्पायर बोलता है कि क्या, और ये मैं मिस नहीं कर सकता, और मैं तो स्पेशली विंग्स भी लेके आया था इस साल के इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। तभी ऊपर जो नेफ्यू होता है वो भी बैट में कन्वर्ट हो जाता है और बोलता है वो बैट छोटा सा कि भाई अंकल आप अपना टाइम ले लो, आप लोग चैट वैट पहले कर लो करके। तो जॉम्बी पूछता है कि भाई तुम भी बैट में टर्न हो सकते हो क्या? तो वैम्पायर बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं टर्न हो सकता हूँ कि नहीं। तभी लेडी टेल बोलती है कि हाँ तुम हो सकते हो, और वो भी है वो, तब फिर ये भी बोलती है कि तुम योर हाइनेस के साथ उड़ भी सकते हो। जो वैम्पायर होते हैं उनका जो बैट फॉर्म होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो वैम्पायर बोलता है सच में?
और बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है फिर मैं इसे ट्राई करूँगा। और तभी जॉम्बी भी देख रहे होता है और लेडी टर्ल भी देख रही होती है और बोलती है कि मुझे पता था। और तभी हमारा वैम्पायर जो है वो बैट में टर्न हो जाता है। बैट में टर्न होने के बाद भी उसके बालों में देखो लाल रंग का फूल लगा हुआ है। और तभी दूसरा बैट बोलता है कि हम दोनों ही जो हैं वो नोबल फैमिली से, नोबल फैमिली के ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। तभी उसका नेफ्यू बोलता है कि भाई मैं भी कुछ दिनों के लिए चाहता हूँ कि डैड मेरे साथ रहें तो हम पुरानी बातें याद कर सकें। तभी हमारा वैम्पायर बोलता है कि भाई वैलेंटाइन डे आ रहा है और तुम लोग अपने जो टाइम है एक दूसरे के साथ बिता सकते हो। तो जॉम्बी बोलता है ठीक है और दोनों के दोनों बैट जो हैं वो अपने पैलेस पे उड़ने लगते हैं, एक दूसरे को बाय कहते हैं और चले जाते हैं। जॉम्बी खिड़की में से देख रहा होता है, फिर जॉम्बी कर्टन्स को पुल करता है और खिड़की बंद कर देता है। और तभी जॉम्बी बोलता है कि जो फादर है वो 15 तारीख से पहले नहीं आएंगे। तो हमारा जो वैम्पायर है बोलता है कि क्या चल रहा है, मेरे में कैट ईयर्स और टेल क्यों आ गई है करके, क्या ये साइड इफेक्ट थे मेरे बैट में कन्वर्ट होने के। तभी वैम्पायर बोलता है कि भाई तुम ये सब बंद करो और मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे तैसे वापस जैसा था वैसा बन जाऊं। तभी हमारा जॉम्बी हमारे वैम्पायर को किस कर लेता है और जॉम्बी जो है वैम्पायर के कंधे पे भी काट लेता है। और पीछे दिखाते हैं कि हमारे वैम्पायर के कितने लंबे बाल और पूंछ भी हैं। और तभी वो बोलते हैं कि ये फादर यहाँ पर है नहीं तो आज हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब क्या होता है कि सीन दिखाते हैं एक भविष्य बताने वाले आदमी का, वो आराम कर रहा होता है और कोई बोलता है कि स्टूपिड उठो करके। और तभी चोर आता है और बोलता है कि भाई तुमने मुझे पिछली बार जो गधे के पैर भेजे बेचे थे वो तो सब नकली थे। तभी ये आदमी बोलता है कि ये कैसे नकली थे, तुम क्या कह रहे हो कि ये नकली थे। और वो तभी चोर बोलता है कि वो गधे के नहीं, वो एक्चुअली सुअर के पैर थे और मैं एक्चुअली उससे फाइट करने गया था और मैं उस फाइट में मर जाता। और तभी आदमी उठता है, बोलता है कि कौन सा फाइट, और बताता है कि जो तुमने सुअर के पांव लेके गए थे वो नूडल बनाने के लिए थे, तो क्या तुमने उससे नूडल बनाए। तो ये बोलता है कि आदमी पूछता है कि क्या वो टेस्ट में अच्छे थे। और तभी चोर को याद आता है कि हाँ उन लोगों ने उसका नूडल सूप वगैरह बनाया था और खाया भी था। तो चोर बोलता है हाँ वो वाकई में अच्छे थे। तो ये आदमी बोलता है जब सब कुछ अच्छा था तो क्या ही प्रॉब्लम है, ये कह के वो वापस सोने चला था। तो चोर बोलता है कि रुको भाई तुमने कितनी बार मुझे फेक स्टफ सेल किया है। तो ये आदमी बोलता है ठीक है मुझे सोने दो, मैं तुम्हारे लिए आगे इन सब की भरपाई कर दूंगा। हाँ, और वो ऐसा करके अपना हाथ उसके छाती पे रखता है और बोलता है हियर इधर पे देखो और फील करो। तो चोर अपना हाथ फटाक से उसके सीने पे से हटा लेता है और बोलता है कि हकीकत तुम क्या कर रहे हो, मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ। तो ये आदमी बोलता है कि भाई तुम क्या सोच रहे हो करके। और तभी उसके छाती का जो शर्ट है थोड़ा इधर उधर खिसक जाता है और उसके बाद अपनी शर्ट खोलता है और उसको दिखाता है और उस शर्ट के अंदर कुछ 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 सामान रखा होता है और बोलता है मैं तो तुम्हें अपने छाती पे इसलिए हाथ रख रहा था कि तुम इनमें से कोई एक सामान चुन लो। तभी वो एक चम्मच जैसा आइटम निकालता है और बोलता है इसे देखो, और बोलता है कि ये जो है ये एक नया शॉवेल है, मतलब फावड़ा है करके, और इससे तुम कोई भी ग्रेव को आसानी से खोद सकते हो और चाहे वो ग्रेव कितनी भी डीप हो तुम इसे और इससे आसानी से खोद सकते हो, तो क्या तुम्हें ये चाहिए क्या। तो चोर बोलता है कि भाई तुम मेरे को फिर से स्कैम करना चाहते हो और ये जो है बहुत ही वर्स होता जा रहा है, लास्ट टाइम तुमने मुझे कुछ और ही दे दिया था ग्रीन कलर का और इस बार तुम मुझे ये दे रहे हो। और वैसे भी मैं एक कभी
शॉपर की तरह काम कर रहा हूँ। तो चोर बताता है कि मैंने जिस पिछली बार कब्र को लूटने की कोशिश की थी, उस कब्र के मास्टर जो थे, मैंने उनको लूटना चाहा था। और उससे पहले एक महाजोंग का सेट था, वो भी मैंने लूटना चाहा था करके। और वो जो आदमी है, वो मरने के बाद भी चीज़ें बाय करना चाहता है, और मैं अब उसके लिए काम करता हूँ। और ऐसा कहकर वो बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। तो यहाँ जाते थे बोलता है कि मेरे लिए तुम मदद करो कि तुम महाजोंग का जो सेट है उसके ऊपर ध्यान रखना। तभी यह आदमी सोचता है कि ये किस टॉम मास्टर के बारे में बात कर रहा है। वापस वो स्कूटर में निकलता है व्रूम व्रूम करता हुआ, और हमारा ये जो आदमी है वो निकलता है साइकिल पे और बोलता है, अपने मन में सोचता है कि ये जो छोटा चोर है ये बहुत ही डम है, मुझे इसको लुक आफ्टर करना चाहिए करके। और सोचता है कि यदि ये ऐसे ही करेगा तो हो सकता है किसी दिन जॉम्बी इसका पूरा ब्लड निकाल के पी लें और इसे पता ही नहीं चलेगा। और ये जो जॉम्बीज होते हैं, ये घोस्ट है कि जॉम्बी है ये भी नहीं पता है। और यदि मैं ये कर लूँ, इस जॉम्बी में से निकाल लूँगा, तो मैं वाकई में रियल वो हो जाऊँगा, एग्जॉसिस्ट मुझे माना जाएगा, मतलब पंडित वंडित जो भी है ये वैसा हो जाएगा जो भूत वगैरह को भगाता है करके। और तभी क्या होता है कि हमारे चोर का फ्यूल पावर ख़त्म हो जाता है। और तभी ये देखता है कि अब मैं अपनी गाड़ी को कैसे रिचार्ज करूँगा। तभी हमारे ये आते हैं जो अपने आप को भविष्य बताने वाले आदमी कहते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें बैटरी चाहिए क्या, और स्कूटर की बैटरी जो है वो इतने इतने रुपए की है, और तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल वाउचर भी दे देता हूँ और तुम इस पर 500 रुपये बचा भी लोगे। और तभी दोहरा चोर बोलता है कि मुझे बैटरी की क्या ज़रूरत है जब तुम यहाँ पर हो। तो अब दिखाते हैं कि 1 घंटे के बाद जो हमारे डायटी हैं वो इस चोर को अपनी साइकिल पे ले जा रहे होते हैं। और ये बोलता है कि मैं भाई तुम्हें वैसे क्यों लेके जाऊँ अपने साथ। तो चोर बोलता है तो फिर तुम रुक क्यों नहीं जाते, और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते हो, फिर भी तुम साइकिल चलाए पड़े हो। और तभी चोर जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और बोलता है कि भाई मेरे को आके फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि तुम कहीं गिर विर जाओ तो अपना फेस वेस बचा लेना, और नहीं तो तुम अपना जो सामान है वो आगे फ्यूचर में बेच नहीं पाओगे। तो ये जो हमारे नकली डाइटी हैं वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक यू करके। और फिर लेकिन ये कुछ सुनता वनता नहीं है, उसके पीछे पीछे चुपके चुपके से निकल पड़ता है। और अपने मन में सोचता है कि ये जो कब्र है ये काफ़ी बड़ी है, और सोचता है कि जो ओनर है वो शायद कोई इम्पोर्टेंट ओनर भी होगा। तभी वैम्पायर देखता है और बोलता है कि एक और ह्यूमन यहाँ पर आया है। और हमारा जो डाइटी है वो सोचता है क्या कि ये इस कब्र का ओनर है, और वो बोल अपने मन में सोचता है कि इसने ऐसा क्यों कहा कि एक और एक ह्यूमन यहाँ पर है, और क्या ये पुराने थीफ के बारे में बात कर रहा है क्या। तभी वो बोलता है, अपने मन में सोचता है कि शायद मुझे इस आदमी से सीरियसली बात करनी चाहिए। और फिर उतनी देर में जॉम्बी आ जाता है, और तभी जॉम्बी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम्हारे पास राइट अमाउंट है क्या। और तभी ये आदमी सोचता है कि ये लोग वाकई में मेरा जो ब्लड है वो चूस लेंगे, और वो अपने मन में सोचता है कि उसे काम डाउन होना चाहिए और सोचना चाहिए। और वो पूछता है, अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो थीफ कैसा कर रहा होगा। और तभी वैम्पायर आगे पहुंचता है, बोलता है हम लोग पहुंच चुके हैं। और तभी थीफ बोलता है कि हमें एक और एक पर्सन चाहिए महजोंग खेलने के लिए, और बोलता है कि ये लोग बाहर गए और ये तुम्हें ले आए करके। और तभी जो जॉम्बी है वो बताता है कि यहाँ पर वाईफाई भी है, और जो वाईफाई का पासवर्ड है वो गार्लिक वैम्पायर है करके। तो ये जो हमारा नकली डायटी है वो बोलता है कि थैंक यू थैंक यू। तभी क्या होता है कि वापस से उसकी टॉम को दिखाते हैं, और यहाँ पर हमारा जो नकली डायटी है वो सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं इन लोगों के साथ इनकी कब्र के अंदर महाजोंग खेल रहा हूँ करके। और तभी वो देखते हैं कि कौन जीत रहा है, और ये डाइटी ही जीत रहा होता है। और तभी चोर बोलता है कि तुम कितने सारे राउंड एक ही एक रो में जीत चुके हो,
और तभी डाइटी बोलता है हाँ ये अच्छा महसूस हो रहा है, और तभी वैम्पायर बोलता है कि तुम बार बार क्यों लूज कर रहे हो गेम को, जॉम्बी को पूछता है। तो जॉम्बी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बहुत ही टफ अपोनेंट होगा और ये मेरे ब्रदर की तरह दिख रहा है, तो मैं इसे जीतने दे रहा हूँ। तभी ये डाइटी बोलता है कि जब मैं आया था मैंने यहाँ पर एक पेयर ऑफ गार्डियन बीस्ट स्टैचू देखा था तुम्हारे चैम्बर के बाहर, और यदि मैं इस बार जीत जाता हूँ तो यहाँ पर जो ट्रेजर है वो तुम मुझे दोगे क्या? तो जॉम्बी बोलता है नहीं वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और तभी चोर बोलता है कि वो जो ट्रेजर है वो बहुत ही प्रीशियस है और ये हम लोगों को वो ट्रेजर नहीं देगा। और तभी ये हमारा डाइटी सोचता है कि जो चोर है ये एक दूसरे लोगों के साथ दूसरों की तरफ ले रहा है बनिस्बत मेरी तरफ लेने की। तो हमारा डाइटी बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूएबल होना चाहिए चैम्बर्स में, तो तुम हमारे साथ बैट लगा लो और जो भी बैट में जीतेगा उसे बहुत ही अच्छा वाला ट्रेजर मिलेगा, और एज ए ओनर तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वो जॉम्बी को ऐसा बोलता है और तो जॉम्बी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है और तुम मुझे फॉलो करो करके। तो जॉम्बी को फॉलो करता है तो डाइटी बोलता है कि हम बहुत देर से घूम रहे हैं, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तो जॉम्बी बताता है कि एक्चुअली ये बहुत ही स्पेशल और प्रीशियस चीज़ है और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा डीप में रखी गई है, और ऐसे करके वो एक बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंचते हैं। तो जॉम्बी बोलते हैं कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसको मैंने संभाल के रखने के लिए अपने लाइफ को भी रिस्क में डाला था, और इसकी वैल्यू जो है वो दूसरे चैम्बर्स के समान ही इसकी भी वैल्यू है। तो जो ये डाइटी है वो बोलता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बहुत ही प्यार से और चेरिश करके रखूँगा। अब वो आते हैं और अंदर देखते हैं कि लहसुन ही लहसुन भरे हुए हैं, और तभी जम्बी बोलता है कि तुम इनमें से एक को ही लहसुन उठा सकते हो और नहीं तो क्या होगा कि यदि तुम सब ले जाओगे तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं छीलने के लिए। तभी ये डाइटी बोलता है क्या तुम सीरियसली ये बात कह रहे हो, और ये बोलता है कि इस बात को तो चलो पीछे छोड़ दो कि तुम वाकई में मर चुके हो, तुम मुझे बताओ कि तुम इतने सारे गार्लिक्स को क्यों कलेक्ट करते रहते हो जबकि ये तुम्हारे लिए एक रिस्क है। तो बस फिर क्या था, इतना हुआ नहीं कि वैम्पायर पीछे से आ जाता है और देख लेता है बहुत सारे गार्लिक और बोलता है कि तुम फिर से गार्लिक इकट्ठा कर रहे हो, और तभी वो बोलता है कि यहाँ डेंजर है करके, और जॉम्बी को खींच के ले जाने लगता है। तभी जॉम्बी बोलता है कि ठीक है हमें गार्लिक के बारे में बात करनी चाहिए। तो वैम्पायर बोलता है हमें गार्लिक के बारे में क्या ही बात करनी चाहिए, और जिस तरीके से दिख रहा है कि तुम इतने सारे गार्लिक सीक्रेटली जमा कर रहे हो, और मुझे लगता है मुझे पहले इन सारे गार्लिक्स को बाहर फेंकना चाहिए। तो डाइटी आता है और देखता है कि जॉम्बी अब अकेला खड़ा है और सोचता है कि ये बहुत अच्छा चांस है इसे मार डालने का, और तभी वो बोलता है कि तुम्हारा इस दुनिया में रहना दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाएगा, और मैं क्या करता हूँ कि तुम्हें मार देता हूँ तो तुम पीसफुली अपने कॉफिन में रह सकते हो। तभी चोर आता है और बोलने लगता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो और तुम हमारे क्लाइंट को कैसे ऐसे थ्रेट कर सकते हो, और इसने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं दिया है जो मैंने इनके लिए सामान लाया था। तभी ये डाइटी बोलता है कि क्या तुम इडियट हो, और ये जॉम्बी है जो लोगों का ब्लड पीता है और तुम इसके साथ एक डील कर रहे हो, और ये जो डोंकी हूव्स हैं और ये हो सकता है कि ह्यूमंस के सेक्रीफाइस हो करके, और ये जो जॉम्बी है वो किसी तरह के तलिस्मा को भी इसने सील करके रखा होगा, तभी ये यहाँ पर आराम से फ्रीली घूम फिर रहा है, और इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल जॉम्बी हो सकता है जो कि 1000 ईयर्स से जी रहा हो, तो तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए नहीं तो तुम्हें ये हर्ट कर सकता।
तभी ये थीफ बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इडियट हूँ करके। तभी जॉम्बी जो है एक पीले रंग का पेपर निकालता है अपने बालों से और पूछता है क्या तुम लोग अटैक करने वाले हो क्या। तभी ये डाइटी होता है, वो बोलता है कि तुम पीछे हटो, देखो उसने एक तालिस्मा जो है वो निकाला है। और तभी थीफ बोलता है कि क्या होगा यदि उसने ये तालिस्मा निकाला तो। डाइटी बोलता है कि बिना तालिस्मा के हम उसको सप्रेस कर सकेंगे और हम लोग दो हैं तो हम इससे डील कर लेंगे। और तभी वो सोचता है कि कुछ तो है जो गलत सा महसूस हो रहा है। और तभी जॉम्बी बोलता है कि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट है इस तरह हेयर ड्रेसर को लगा के अपने बालों में फाइट करना और मुझे इसे निकाल देना चाहिए। तभी थीफ और डाइटी सोचने लगते हैं कि ये क्या ही चल रहा है और देखते हैं कि वो येलो रंग का हेयर पिन जो है वो निकालता है। और तभी ये डाइटी जो है वो अपना शर्ट खोलता है और दिखाता है, वहाँ पर बहुत सारे हेयर पिन लगे होते हैं और बोलता है कि तुम्हारा जो हेयर क्लिप है वो ओल्ड हो चुका है और मेरे पास नए हेयर क्लिप्स हैं यहाँ पर 3-4 प्राइस के। और तभी जो जॉम्बी है वो देखता है और बोलता है कि इस तरह के जो हेयर ड्रेसर हैं वो मैंने तब से नहीं देखे हैं जब से क्वीन डायनेस्टी का एंड हुआ है और ये तुम्हारे पास क्यों है। तो ये डाइटी बोलता है क्वीन डायनेस्टी ये बहुत ही हार्ड है बताना और क्या कहते हैं जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनके ये हेयर क्लिप्स हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के पास कोई भी पावर नहीं था और जो ये तलिस्मा है ये एज ए एसेसरी ही हम बेचते हैं और ये उसी टाइम से इसी तरीके से बेचे जा रहे हैं। और तभी जॉम्बी बोलता है ठीक है मैं ये सारे खरीद रहा हूँ, तुम इसे यहाँ रख सकते हो। तो जो ये आदमी है वो डाइटी है वो बोलता है ठीक है बॉस थैंक यू। तभी डाइटी सोचता है कि तुम शायद बहुत ही ज़्यादा ओल्ड क्लाइंट होगे। लेकिन जो फाइट है वो आगे चलती ही जाना चाहिए और बोलता है कि तुम्हें अर्थ पे जाना चाहिए। और तभी ज़ॉम्बी बोलता है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें तोड़ ना दूँ। और तभी दोनों ये एक झाड़ फूक जैसी चीज़ दिख रही है मुझे तो उसको दोनों खींचने लगते हैं। और डाइटी बोलता है कि ये मुझे वापस दो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम है और यदि ये टूट गया तो मैं इसे वापस बेच नहीं पाऊँगा। तो जॉम्बी पूछता है कि ठीक है तुम इसको कितने में बेच रहे हो। तभी डाइटी बोलता है कि मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। तो वो अपने फैमिली का हार्लूम निकालता है, पीच वुड का स्वॉर्ड निकालता है तलवार और बोलता है मैं तुमको इससे डिफीट करूँगा। तो जॉम्बी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो फट से और हमारे डाइटी के कंधे पे गिर सा जाता है, अपना सिर रख देता है। तभी हमारा वैम्पायर वापस आने की तैयारी में होता है और सोच रहा होता है कि फाइनली उसने सारे गार्लिक्स को फेंक दिया है और बोलता है कि यदि मैंने अगली बार तुम्हें देखा ना गार्लिक जमा करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर जो डाइटी है वो जॉम्बी के आगे खड़ा होता है और वैम्पायर ये सब देखता है। तभी हमारा वैम्पायर पूछता है कि क्या हो रहा है और इतना प्रेशर क्यों है और वो बोलता है कि तुमने उसको स्टैब क्यों कर दिया। और तभी वैम्पायर सोचता है कि हमारे पास बरी करने के तो कलेक्शन वाली चीज़ें भी नहीं हैं। तभी जो उनकी किटी है वो नीचे उतरती है और तभी देखते हैं कि एक तरह का पावर जो है वो हमारे वैम्पायर में आने लगता है और वैम्पायर बहुत गुस्से में आता है, बोलता है मैं तुम्हें सफ़र करवाऊंगा। और फिर कुछ वो उसकी तरफ स्विश स्विश करके फेंकता है और फिर देखते हैं तो वो जो आदमी था डाइटी अब वो भी किटी जैसा हो गया है और कुछ होता नहीं है और किटी जो है बाजू में बैठ जाती है और हमारा वैम्पायर रोने लगता है कि डैड मैं तो एक फेलियर हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही आता है दूसरों को कैसे किटी बनाना, मैं क्या करूँ, और वह कैसे रोने लगता है। तभी क्या होता है कि हमारा जो जॉम्बी है वो उसके सीने में जो लकड़ी का औजार स्वॉर्ड जो है वो लगी हुई है तो वो लकड़ी की स्वॉर्ड को पोक करता है और देखता है।
तभी वैम्पायर बोलता है कि भाई तुम अभी भी क्यों खेल रहे हो जबकि तुम्हारे सीने के अंदर एक तलवार घुसी हुई है। तो ज़ॉम्बी बोलता है कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, अब मुझे कोई पेन थोड़ी ना फील होता है और अब कुछ भी मुझे हर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो है, ये वैम्पायर बोलता है कि ये जो है ये एक की चोट है। तो ज़ॉम्बी बोलता है लेकिन ये कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं होगी करके, मेरी जो कॉफिन है वो तो सैंडलवुड से बना हुआ है। तो वो बोलता है कि ये क्वेश्चन लेकिन प्राइस के लिए नहीं है। तो ज़ॉम्बी उस तलवार को निकालता है और बोलता है कि देखो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो तुम्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैम्पायर बोलता है नहीं तुम ऐसा मत करो। फिर भी वो उस तलवार को बाहर निकालते हैं। तभी ज़ॉम्बी बोलता है कि तुम इसको ऐसे मत निकालो। और जब निकालते हैं तो उसमें से पता नहीं कुछ धुआं सा निकलने लगता है। अब क्या होता है, ये तलवार निकाल दी होती है और वैम्पायर फिर रोने लगता है क्योंकि जो जॉम्बी है उसका जो सारा जो बॉडी होता है वो एकदम से श्रिंक सा होने लगता है। तो जॉम्बी बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुमने पहली बार कैसे मेरा ब्लड चूस लिया था। और तभी वैम्पायर बोलता है कि हाँ मुझे याद है, और तुमने ये भी कहा था कि तुमने मेरा ब्लड ऐसे चूस लिया जैसे कि तुम दूध चूस रहे हो। तो जैसे एयर लीक होती है वैसे ही यहाँ से भी मेरे अंदर का एयर लीक हो गया है करके, देखो मेरा बॉडी जो है वापस से ठीक हो रहा है करके। अब ये जो वैम्पायर होता है वो उस छेद के अंदर एयर भरने लगता है। और तभी वो सोचता है कि दोनों जगह का जो साइज़ है उसके छाती का वो डिफरेंट क्यों हो गया है। तो ज़ॉम्बी बोलता है कि काम करो तुम इसे थोड़ा सा रब कर लो तो शायद दोनों का बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा वैम्पायर अपना हाथ बढ़ाता है और ज़ॉम्बी के सीने को सहलाता है और बोलता है कि लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है वो अभी भी पिचका हुआ है करके। और ज़ॉम्बी बोलता है कि ये जो वूंड अभी अभी मुझे लगा है वो ब्रेन से थोड़ा दूर लगा है और तुम्हें इस जो मुझे छेद बन गया है मेरे छाती में उसको क्लोज़र तरीके से देखना पड़ेगा करके। तो हमारा वैम्पायर जॉम्बी को किस करता है और बोलता है कुछ इस तरह। और तभी ये जो एक आदमी को उसने किटी बना दिया है वो आदमी उनका डाइटी उन दोनों को देखता रहता है। तभी चोर आता है और बोलता है भाई मुझे माफ़ करना इतना सब कुछ ट्रबल के लिए और मैं तुमको इस बार 10% ऑफ दूंगा करके। तो वैम्पायर बोलता है ठीक है कम से कम तुम समझदार हो। तभी चोर पूछता है कि बाय द वे अब इस का मैं क्या करूं, इस बड़ी किटी का इसको हम क्या वापस जैसा ये था वैसा नहीं कर सकते क्या। तो वैम्पायर बोलता है कि इसे वैम्पायर कर्स लगा है और ये तभी कर्स ठीक होगा जब इसका ट्रू लव इसे किस करेगा। तो चोर ये बात सुनता है और बोलता है किस ऑफ ट्रू लव। और तभी जॉम्बी और वैम्पायर दोनों किस करते हैं और बोलता है वैम्पायर कि इस तरह तुम्हें किस करना पड़ेगा। और ये भी बोलता है कि यदि इसे कभी इसका ट्रू लव नहीं मिला तो ये अपने पूरी ज़िंदगी एक किटी ही बन के गुजारेगा। तो चोर इस किटी को अपनी गोद में लेता है हाथों में बनता है और सोचता है कि लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि इसका ट्रू लव कहाँ है। पर ये जो है बहुत ही गोल मटोल सी है और क्यूट है तो मैं इसको अपने साथ बाहर ले जाता हूँ पहले। तो वो किटी को गोद में उठाता है और आगे निकल पड़ता है। अब क्या होता है, वापस उसी जगह पे आता है जहाँ पर ये डाइटी कुर्सी पे सो रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह से तुम्हारा एंड होगा। तो किटी भी म्याऊं करके रिस्पॉन्स देती है। और तभी हमारा चोर सोच रहा होता है कि सिर्फ ट्रू लव का केस ही इसको वापस ह्यूमन फॉर्म में ला सकता है और वो सोचता है कि इसका ट्रू लव कौन है। तो जो किटी है वो इसके थीफ के चेहरे पे किस कर देती है और ये तुरंत से वापस अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। और तभी वैम्पायर को लगता है कि जो कर्स है वो टूट गया है और वो सोचता है कि ये जो स्टूपिड एग्जॉर्सिस्ट था उसे इतनी जल्दी अपना ट्रू लव कैसे मिल गया। और तभी जॉम्बी बोलता है कि उसको इग्नोर इग्नोर करो
और बोलता है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अभी भी श्रिंक सा हूँ। तो वैम्पायर बोलता है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट अभी भी श्रिंक हो रहा है? तो जॉम्बी बोलता है कि जो मेरे लिप्स हैं वो बहुत सोर हैं और ये सब ही मेरा श्रिंक हो रहा है। अब हमारा जॉम्बी जाता है और मेकअप करने की तैयारी करता है। हमारे जॉम्बी के हाथ में एक फाउंडेशन में जो पैड यूज़ किया जाता है वो होता है और जॉम्बी बोलता है वैम्पायर से कि क्या तुम मुझे मेकअप करने में मदद करोगे तो जिससे मैं ह्यूमन स्किन की तरह दिख सकूं। तो वैम्पायर बोलता है ठीक है मैं मदद करता हूँ लेकिन क्या तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? तब जॉम्बी बताता है कि मेरे ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी आ रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे जाके देखूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो जॉम्बी बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर, तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? हमने अभी तक जो खाना है वो भी प्रिपेयर नहीं किया है और क्या मेरे क्लोथ्स ठीक रहेंगे ये वाले वहाँ पर जाने के लिए और क्या मेरा परफ्यूम भी ठीक रहेगा वहाँ जाने के लिए? लेकिन मैं जो हूँ गार्लिक की तरह स्मेल कर रहा हूँ और ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। तो जॉम्बी उठता है और वैम्पायर की तरफ बढ़ता है, वैम्पायर को पकड़ के बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मेरे ब्रदर से मिल नहीं रहे हैं करके। तो वैम्पायर पूछता है कि क्यों? तभी दूसरा दिन आता है और हमारा जॉम्बी और वैम्पायर जो है वो लोग निकल पड़ते हैं। तभी जॉम्बी बताता है कि मेरे भाई का जो ग्रेव है वो किसी ने डिस्कवर कर लिया है और अब ये जो है एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह बन गया है और हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पर एज ए टूरिस्ट ही प्रिटेंड कर सकते हैं। मैं जाता हूँ और जाके टिकट लेके आता हूँ, फिर हम म्यूज़ियम में जाएंगे और फिर हम ग्रेव को देखेंगे करके। तो वैम्पायर बोलता है कि हमें इस चीज़ के लिए टिकट लेने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा बेकार बात क्या होती है? तभी जॉम्बी बोलता है कि क्यों ना हम किसी टूर गाइड को पकड़ लें क्योंकि जो रॉयल कबर होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और मुझे नहीं पता कि हम वहाँ कैसे मतलब पहुँचेंगे करके। तभी वैम्पायर बोलता है कि तुमने नहीं कहा था कि ये तुम्हारी फैमिली का टॉम्ब है करके। तभी जॉम्बी बोलता है कि हमें टॉम को डीपली एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हमें इसमें कुछ एग्जैक्टली एक्सपीरियंस भी नहीं है तो हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर एक कोई ग्रेट डील करनी पड़ेगी और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेल में भी है। तभी यहाँ दिखाते हैं कि वो चोर और चोर के साथ वो जो अपने आप को नकली वाला डाइटी बताता है वो यहाँ पर है और वो लोग भी इनको देखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अरे जॉम्बी यहाँ पर है करके। तभी जॉम्बी पूछता है कि तुम क्या यहाँ पर भी नकली सामान बेचने आए हो क्या? तो हमारे ये जो डाइटी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इसने अपना जॉब जो है वो लूज़ कर दिया है और मैं यहाँ पर इसको जो है हेल्प करने के लिए आया हूँ करके और यहाँ हम पार्टनर की तरह आए हैं अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करने के लिए। तभी वैम्पायर बोलता है कि किसने ऐसा पूछने की कोशिश की और यहाँ पर इसकी जो फैमिली है वो यहाँ पर क्लाइंट्स को स्टैप करने के लिए आती है करके। तभी थीफ बोलता है कि ये मेरे पीछे देखता है और थीफ के साथ जो डाइटी होता है वो वहाँ बैठे बैठे बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट है तो आप लोग ज़रा मेरे पे नाराज मत हो करके, हम आपको फ्री टूर देंगे। और तभी वैम्पायर बोलता है कि हाँ तुम्हें तुम्हारा ट्रू किस बहुत जल्दी मिल गया जिससे कि तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सके। तो थीफ भी बोलता है हाँ करके और तभी वो बताता है कि ये मेरे मुंह के ऊपर आके गिर गया था और फिर पता नहीं क्या हुआ और वो कर्ज जो तुमने दिया था वो वैनिश हो गया करके, यानी गायब हो गया करके। तभी जॉम्बी को पूछते हैं कि भाई तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तो थीप बोलता है कि क्या मैं सही नहीं समझा? तो जॉम्बी
वो बोलता है, क्या कहते हैं, वैम्पायर बोलता है ठीक है भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर एक गड्ढा दिखाई देता है, और वो गड्ढा देखने के बाद क्या होता है कि वैम्पायर बोलता है कि अच्छा तुमने यहाँ पर अपना टूरिस्ट सेंटर में तुमने अपने लिए एक गड्ढा भी खोद दिया, ये बहुत ही अमेजिंग काम किया है तुमने। तो जो डाइटी होता है बोलता है कि यहाँ पर डीप टूर होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें टॉम के अंदर, कवर के अंदर हमें डीप जाना पड़ेगा। और तभी थी बोलता है कि तुम्हारी जो फैमिली का ये है, क्या कहते हैं, टॉम है, वो उसका एंट्रेंस बहुत सारे हैवी गार्ड से गार्डेड है, तो हम कैसे क्या इस होल के अंदर घुसेंगे करके। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मैं पहले नीचे जाऊंगा, फिर तुम मेरे पीछे पीछे आना। अब ये थीफ, जोम्बी और वो जो डाइटी है नकली वाला, वो सब साथ में निकल पड़ते हैं। तभी थीफ बोलता है कि जब तुम अपने भाई से मिलोगे तो क्या तुम थोड़ा अपने भाई से कुछ ब्यूरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हो क्या, मांग सकते हो क्या। तो जॉम्बी बोलता है लेकिन ठीक है मैं पूछ लूँगा, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जो मेरा रिलेशन है मेरे भाई के साथ वो अच्छा नहीं है इतना भी। तो वैम्पायर बोलता है ऐसा क्यों भाई। तो जॉम्बी बोलता है कि यदि मैं बताऊँगा तो तुम हंसोगे क्या करके। और इसीलिए हमारा ऐसा है क्योंकि हम लोग जो थे, वो जो उनका थ्रोन था, मतलब उनका जो सिंहासन है, उसके लिए हमारे बीच में लड़ाई हुई थी करके। तो वैम्पायर बोलता है कि नहीं, तुमको तो अभी भी गार्लिक कलेक्ट करने हैं, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें अभी तक गार्लिक कलेक्ट करने हैं, तो ये नॉर्मल है कि तुम्हारा किसी टाइप का एम्बिशन होगा जब तुम जिंदा थे तब। तो जॉम्बी बड़ा खुश हो जाता है और वो पूछता है कि क्या तो फिर मैं गार्लिक कलेक्ट कर सकता हूँ क्या। तो वैम्पायर उतने में गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम सिर्फ सपने देखते रहो, क्या ये तुम सच्ची में गार्लिक कलेक्ट करना चाहते हो क्या। और तभी दिखाते हैं कि ऐसा हुआ था करके। तो जॉम्बी बताता है कि हम सिंहासन के लिए तब से फाइट कर रहे थे जब से हम लोग यंग थे। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर कहते थे कि भाई जो तुमने होमवर्क किया है बेटा वो मुझे दिखाओ, और मुझे देखने दो कि किसकी राइटिंग रूलर बनने के लिए फिट होती है। तो हम दोनों भाई अपने फादर को अपना अपना राइटिंग दिखाते थे। तभी मेरा भाई बोलता है कि फादर मैं तो अच्छे से राइटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अनस्टेबल हूँ ऐसे रूलर बनने के लिए। और तभी मैं भी बोलता था कि मेरा ब्रदर जो है वो, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और बहुत ख़राब है, और मैं भी प्रॉपर वर्ड्स नहीं लिख सकता हूँ। तो वो बोलता है कि फादर मैं बता सकता हूँ कि हम दोनों में से वर्ड्स कौन है करके। तभी उनके फादर पूछते हैं कि बच्चों मुझे बताओ कि तुम में से किसने हॉन्टिंग गेम में क्या मिला तुम्हें, प्रेजेंट करो उसको, और मैं ये देख के बताऊंगा कि किसने अच्छा हॉन्टिंग किया है और किसकी एबिलिटी है रूलर बनने के लिए। तभी जॉम्बी का जो भाई है वो बताता है कि मैंने ग्रास हॉप को पकड़ा है, और इसको मुझे सिर्फ कुकुम्बर खिलाना पड़ा, कुकुम्बर का स्लाइस, और इसे मैंने पकड़ लिया। और बोलता है कि मुझे सिर्फ टाइनी बग्स पकड़ना आता है, और मेरा जो भाई है वो ज़्यादा सूटेबल है रूलर बनने के लिए। तभी जो फादर है उसके बोल पूछते हैं कि मुझे एक पंजेंट सा स्मेल आ रहा है, और ऐसा क्यों आ रहा है। और तभी दिखाते हैं कि जॉम्बी जो है वो बताता है कि मैंने एक स्नेल पकड़ा था और मैंने स्नेल का नूडल बना दिया, और वो अपना स्नेल वाला नूडल खाने लगता है। और वो पूछता है कि फादर एंड ब्रदर आपको भी ये स्नेल वाला नूडल चाहिए क्या। इसका स्मेल जो है वो थोड़ा सा बैड है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो गुड है। अब क्या होता है, फादर इन दोनों को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ इनको। और इसी तरह उस मेरी जो स्किन है वो हल्की सी मेरे ब्रदर से थिकर है करके, और उसने क्या कहते हैं फाइट को लूज़ कर दिया और वो क्राउन प्रिंस प्रिंस बन गया। तो ऐसे जॉम्बी अपनी स्टोरी बताता है और ये तीन लोग उसकी स्टोरी सुनते हैं।
तभी वेम्पायर बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो फाइट कर रहे थे वो इसीलिए फाइट कर रहे थे कि तुम दोनों में से किसी को भी एम्परर ना बनना पड़े। तो जॉम्बी बताता है कि मैं तो सिर्फ एक ब्यूटीफुल पार्टनर चाहता था और उसके साथ पीसफुल लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंटली मैं ये सब करने से पहले ही मर गया। और अब जब मैं सोचता हूँ कि अब मैं मर चुका हूँ तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ, ऐसा वो अपने मन में बड़बड़ाता है करके। तो वैम्पायर पूछता है कि तुम क्या ही बड़बड़ा रहे हो और तुम क्या फुसफुसा रहे हो। तभी जॉम्बी बोलता है कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और इस डोर के पीछे जो है मेरे ब्रदर का बरियल चैम्बर है करके। तो थीफ बोलता है कि मैं सही था यानी, और बोलता है कि स्टूपिड डाइटी तुम हमें अंदर ले जाने का रास्ता ढूंढो। और तभी क्या होता है कि वैम्पायर पूछता है कि जब तुम्हारे ब्रदर ने सिंहासन ले लिया था तो क्या उसने तुम्हारे खिलाफ़ कोई ग्रज रखा था क्या? तो जॉम्बी बोलता है करके एक आवाज़ निकालता है बस, और बताते हैं कि उसने ऐसा किया था पर हम इसे रेवेंज में काउंट नहीं कर सकते। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तो योर मैजेस्टी पूछते हैं कि क्या तुम रिपोर्ट करना चाहते हो? तभी बताते हैं कि ये जो ग्रीन ऑनियंस हैं जो हमने प्लांट किए हैं रॉयल गार्डन में, उसमें से किसी ने कुछ डजन्स चोरी कर ली हैं और उन्हें हटा के वहाँ पर गार्लिक को प्लांट किया हुआ है। तो जो इनके फादर होते हैं उनको एक थोड़ा सा दिमाग में झटका सा लगता है, वो अपने बेटे यानी जॉम्बी की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ उसका भाई भी जॉम्बी की तरफ देखता है। मतलब ये जो स्टोरी है उनके मरने के पहले की चल रही है और वो सोचता है कि ब्रदर, तो हमारा जॉम्बी उसकी तरफ देखता है। तो इनका भाई बोलता है कि आपको कैपिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको जो है बॉर्डर की तरफ भेज दूँगा जहाँ के इंचार्ज आप ही होंगे। और तभी वेम्पायर बोलता है कि तुम्हें इसीलिए वहाँ भेज दिया गया क्योंकि तुम गार्लिक उगाते थे करके। क्या तुम्हारा ब्रदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैटी नहीं है क्या? तो जॉम्बी बोलता है कि ये रियल केस नहीं था और फिर ऐसा कह के दिखाते हैं कि जॉम्बी जो है अपने घोड़े से कैसे नीचे उतरा और बताते हैं कि जब मैं उस जगह पे पहुंचा था तो मुझे वहाँ पर पता चला था कि जो लैंड है वहाँ पर बहुत सारी हरी हरी घास उगी हुई है और जो ये प्लेस है वो बिल्कुल राइट प्लेस था और मैंने यहाँ पर बहुत सारे गार्लिक्स उगाए थे। और वो अपने ब्रदर को याद करता है। तो वो बताता है जॉम्बी कि लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे भाई का एटीट्यूड मेरे तरफ कैसा था। तो वैम्पायर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हें अभी भी प्यार करता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना प्यार तुम्हारे लिए एक्सप्रेस करता है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा चोर बोल रहा होता है एक दो और डाइटी बोल रहा होता है गो, ऐसा करके वो दरवाज़ा खोल लेते हैं टॉम का। और जैसे ही वो टॉम का दरवाज़ा खोलते हैं हमारा जॉम्बी अपने भाई को हेलो कहता है और बताते हैं कि ये 100 ईयर्स निकल गए हैं और अब हम 100 ईयर्स के बाद फाइनली मिल रहे हैं। और ऐसा कहते वक्त उसके हाथ में वाकई में एक गार्लिक की वो होती है, बंच होता है गार्लिक का। और तभी वैम्पायर भी बोलता है कि बिग ब्रदर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि आपका जो लिटिल ब्रदर है वो अच्छा मतलब जीवन में करता रहे, और यदि आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता है तो आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं और आके देख सकते हैं। तभी जो क्या थीफ होता है वो बोलता है कि तुम अपने डैड को कॉफिन के पास मत जाने दो, अदरवाइज़ ये तुम्हारे डैड को वाकई में रिवाइव कर सकती है और ये डैड तो फिर बिल्ली ही है। तभी
वैम्पायर पूछता है कि क्यों, और उतनी देर में हो जाता है बूम, कुछ ना कुछ धुआं सा एकदम से उठने लगता है। और तभी जॉम्बी अपने भाई को देखता है और बोलता है ब्रदर, और तभी ब्रदर उठता है जिसके बाल बड़े अजीब से हो रखे हैं और बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो। तभी वैम्पायर बोलता है कि भाई ये वापस कैसे उठ गया, और इसका उठने का तरीका कुछ ऐसा था जैसे कि बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया हो, धमाका हो गया हो। तभी चोर बताता है कि ऐसा मे भी इसलिए हुआ हो क्योंकि वेदर जो है बहुत ही ड्राई है, और तुम्हारे जो डैड है उन्होंने शायद स्टैटिक खा लिया हो इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो ऐसे बूम करके उठे हैं और उनके बाल भी ऐसे अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब क्या होता है कि जॉम्बी अपने भाई को देखता है और पूछता है कि ब्रदर आप इतने यंग क्यों दिख रहे हैं, क्या आप टिल एंड तक नेचुरली नहीं जीते, क्या आप नेचुरली मतलब जैसे लोग मरते हैं वैसे नहीं मरे थे क्या। और देखते हैं कि जॉम्बी का जो भाई है वो अपने बाल बाल वापस ठीक कर रहा होता है, बना रहा होता है, क्योंकि उसको अभी अभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ लगा था। तो उसका भाई बताता है कि जब तुम मरे थे उसके हाफ मंथ के बाद ही मैं भी मर गया था, तो इसीलिए मैं यंग दिख रहा हूँ करके। तो जॉम्बी पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आपको कोई इलनेस थी या आपका या कोई वार था या आप ओवरवर्क से मर गए। तो जॉम्बी का भाई बताता है कि तुम इतनी सडनली मर गए थे तो मैं दुखी हो गया था, तो मैं अक्सर तुम्हारे सर्वेंट्स को मैं अपने टॉम के पास हमेशा लेके आता था, और मैं सोचता था कि ऐसा करूँगा तो मैं लाइफ का मतलब समझ पाऊँगा कि लाइफ क्या है करके। तो भी मेरे सर्वेंट्स ने बोला कि मैजेस्टी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और आपको अपने पैलेस में वापस जाना चाहिए करके। तो उस टाइम पे मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, तो तुम लोग जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, और तुम लोग को वापस आने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि मैं बुलाऊँ। तो जो उस टाइम पे मेरे सर्वेंट्स थे उन लोगों ने हाँ कहा और वो चले गए। लेकिन उनमें से एक लड़की थी जो बोलती है कि ठीक है मैं जाने से पहले आपका डोर जो है वो क्लोज़ करूँगी। और ये जो लड़की है वो इसमें बताते हैं कि ये लड़की है जो उसने अपने बालों को डाई किया था, और ये लड़की बोलती है कि लाइफ और जो डेथ होता है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मैं अपना कॉन्डोलेंस आपको क्या कहते हैं यहाँ पर देती हूँ, और फिर दरवाज़ा फट से बंद हो जाता है। तब ये जॉम्बी का भाई यहाँ बैठा होता है और बोलता है कि रुको, और वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है करके। और फिर ऐसे करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, और फिर पता चलता है कि हिज मैजेस्टी जो है वो मर गए हैं। और तभी जॉम्बी का भाई बताता है कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म है डोर में, और ये मैकेनिज्म होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉसिबल है इसे खोल पाना यदि कोई इसे एक बार बंद कर दे। तो जब मैं टॉम में था मतलब कब्र के अंदर था, तो मैं टॉम के अंदर ही मर गया और इसका कारण वो मेड है करके। तो जॉम्बी बोलता है तो अच्छा तो तुम भी उसी तरह मरे जिस तरह मैं मरा, और बोलता है कि व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो जॉम्बी का भाई बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वैम्पायर बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है अपने मन में सोचता है कि जो उसकी बड़ी बहन है उसने पूरी रॉयल फैमिली को मार दिया है। तो जॉम्बी का भाई पूछता है कि वो लोग कौन थे करके। तभी जो जॉम्बी है वो बताता है कि ये जो आदमी है वो गोल्ड डिगर है, और दूसरा जो है फेक एग्जॉर्सिस्ट डायटी है जो भूत प्रेत मंगाने वाले होते हैं वो है करके। फिर वो बताता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरा कॉफिन बड्डी है करके। तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि अच्छा ठीक है, और ये किस लिए है करके। तो जॉम्बी बताता है कि मेरे सोने के लिए, मुझे हग करने के लिए, और मेरे बॉडी के पिलो के लिए। तो बेसिकली जॉम्बी वैम्पायर के बारे में बोलता है कि जो वैम्पायर है
उसका जो यूज़ है उसके कॉफिन में वो ये है कि वो उसके साथ सो सके, उसे हग कर सके, और उसको अपने पिलो की तरह यूज़ कर सके। तो वैम्पायर जब ये सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। और उधर दूसरी तरफ जॉम्बी का जो भाई है वो ओ करके बोलता है, अब बोलता है कि मैं भी ठीक से नहीं सो सकता हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे ये दे दो और इसे मेरा कॉफिन बड्डी बनने दो करके। तभी जॉम्बी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये ऐसे सपने देखना छोड़ दो और ऐसा सोचो भी मत। तभी जॉम्बी का भाई बोलता है थीफ को कि तुम गोल्ड डिगर हो क्या, और वो बोलता है कि ठीक है एक काम करो, तुम ये जो डाइटी है फेक डाइटी इसको यहाँ छोड़ जाओ और मैं इसे अपने टॉम में रखूँगा, और इसको मैं कुछ बरियल के ऑब्जेक्ट्स भी दूंगा एज ए कंपनसेशन। तो हमारा जो डाइटी होता है वो बोलता है कि ऐसा करो भाई बॉस, आप ये बात भूल जाओ, मेरे पास तो जो सामान होता है वो भी फेक होता है और मेरी जो ट्रिक्स होती हैं वो भी फेक होती है। तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि लेकिन जो गोल्ड डिगर है वो पहले ही मेरे बरियल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने चला गया है। तो जो थीफ होता है वो सुन रहा होता है और बोलता है नहीं। तभी बोलता है कि रॉयल बॉस, आप इस स्टूपिड डाइटी को जो फेक गुड सेल करता है उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ये है इसमें यदि कोई चीज़ सच्ची है तो वो ये खुद है जो सच्चा है, अदरवाइज इसके पास कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है, सब कुछ फेक ही है करके। और जो मैं यदि मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊँगा जो ये खुद अपना रियल है तो ये बहुत ही डम बात होगी करके। तो डाइटी भी बोलता है कि सॉरी रॉयल बॉस। तो जो जॉम्बी का भाई होता है बोलता है कि ये कितना बोरिंग है और तुम अगले साल मुझे बॉदर मत करने आना यहाँ पर। तभी क्या कहते हैं जॉम्बी बोलता है कि ब्रदर आप सैड मत हो, मैं आपको अपना गार्लिक देता हूँ और जब भी आप इसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मुझे देख रहे हो करके। तो जॉम्बी का भाई जो है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है इसको फेंक दो और यहाँ कभी गार्लिक वार्लिक लेके मत आना, मुझे कोई गार्लिक नहीं चाहिए। तभी जो वो फेक डाइटी है वो बोलता है कि यदि आपको गार्लिक नहीं चाहिए तो कैसा रहेगा कि मैं आपको एप्पल्स दूँ करके, ये जो एप्पल्स हैं वो एक नया प्रोडक्ट है और तुम चूँकि लोनली हो और तुम अपने ब्रदर को इस एप्पल की इमोजीज भेज सकते हो, और जब तुम बोर होगे तो तुम इससे अपना वीडियो भी बना सकते हो और इसमें तुम वीडियो से डांट भी सकते हो। तो जो जॉम्बी का भाई है वो तोहफा लेता है और बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, मतलब ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। तो जो फेक डाइटी होता है बोलता है कोई समस्या नहीं है, मैं आपको ये टीच करता हूँ करके, वो उसको सिखाता है और वो बताता है कि तुम इसे यूज़ कर सकते हो एक कैश कार्ड से और बरियल ऑब्जेक्ट से। अच्छा, तो ये जो एक एप्पल है वो खाने वाला एप्पल नहीं है, ये कुछ एक पेजर टाइप चीज़ है और लेकिन ये एप्पल के शेप का है। तो जो डाइटी है वो उसको समझाता है कि कैसे बैक जाना है, कैसे कॉल करना है करके। तभी ये लोग वापस अपने अपने बस में चढ़ जाते हैं जिस बस से ये लोग वहाँ पर विजिट कर रहे थे, और फेक डाइटी बोलता है कि ठीक है हम पहुँच चुके हैं और तुम लोग यहाँ से इस दरवाजे से बाहर जा सकते हो। तभी जॉम्बी बोलता है कि टूर जो था वो बहुत ही एक्साइटिंग था और उसके लिए थैंक यू हमें घुमाने के लिए। और तभी वो बोलता है कि अब जो टाइम है वो उसका सेल करने का टाइम है करके, और वो जो जॉम्बी का भाई है उसका एक पुतले जैसा निकालता है और बोलता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है और ये क्यूट प्रिंस है और ये तुम्हारे ब्रदर का सबसे बेस्ट चॉइस होगा। तभी जॉम्बी बहुत सीरियस हो जाता है और बोलता है कि देखो तुम ऐसा मत करो, मेरे भाई ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है जब वो जिंदा था, तो तुम्हें उसका ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए करके। तो जो डाइटी होता है वो बोलता है कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ
तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम दोनों का पुतला बेच देता हूँ। देखो मैंने तुम दोनों का भी पुतला बनाया है जिसमें तुम वैम्पायर को किस कर रहे हो, और तुम इसको जमा करके भी रख सकते हो। ओके, तो जॉम्बी बड़े सीरियस होके ये देख रहा होता है और तभी बोलता है जो जॉम्बी है कि ठीक है मैं ये सेट को खरीद लूँगा लेकिन तुम्हें इसे हाईएस्ट क्वालिटी का बनाना पड़ेगा और तुम अपना जो प्राइस है उसको नेम कर सकते हो, मतलब इसका जो भी प्राइस रखोगे वो तुम रख सकते हो, मैं इसे खरीदूंगा लेकिन ये हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये फेक डाइटी बोलता है ठीक है डील, यदि तुम ज़्यादा पेमेंट करोगे तो तुम इसे अभी खरीद सकते हो और दूसरा कोई और फिर इसे नहीं खरीद पाएगा। तभी वैम्पायर आता है और बोलता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तो जॉम्बी बोलता है नहीं हम कुछ नहीं देख रहे हैं, और वो पुतले को छुपा लेता है अपने पीठ के पीछे। अब दिखाते हैं कि जॉम्बी और वैम्पायर अपने अपने रास्ते जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी थीफ बोलता है कि बॉस जाते जाते अपना ख्याल रखना, और तभी जो डाइटी होता है फेक डाइटी वो बोलता है कि तुम मेरा जो कस्टम वर्क है उसको दूसरे लोगों को भी रेफर करना। तभी थीफ पूछता है कि स्टूपिड डाइटी अब तुम्हारे पास बहुत सारे बरियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो कुछ मुझे दे दो, आधे मुझे दे दो। तो ये हमारा फेक डाइटी बोलता है कि यदि तुम्हें चाहिए था तो तुमने उस टाइम पे एग्री क्यों नहीं किया जब हम ट्रेड कर रहे थे, और क्या ऐसा है कि तुम बोरियल ऑब्जेक्ट्स के बिना रह नहीं सकते हो क्या? तभी थीफ बोलता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो और आधा सामान मुझे दो। तो फेक डाइटी बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, और तभी जो हमारा थीफ है वो बोलता है कि स्टूपिड डाइटी तुम क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुम फिर से मुझे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या करके? तो डाइटी जो है वो हमारे थीफ की आंखों पे हाथ रख देता है और उसके हाथ में एक रिंग जैसा कुछ पहनाता है और बोलता है ठीक है तुम अपनी आंखें खोलो। तो थीफ देखता है तो उसकी आंखें एकदम चमक पड़ती है कि उसके फिंगर में एक रिंग है, और वो बोलता है कि ये वाकई में तुमने रॉयल टॉम में से निकाली है, ये तो बहुत ही बड़ा डायमंड है करके इस रिंग के अंदर। और तभी वो बोलता है कि लेकिन एक मिनट रुको, एक रॉयल टॉम के अंदर एक डायमंड क्यों होगा? और क्या तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो और फेक डायमंड दे रहे हो क्या? और वो बोलता है कि तुम मुझे ये सब देने की जगह जो बरियल ऑब्जेक्ट्स थे वो दो। और तभी हमारा फेक डाइटी बोलता है कि ये जो डायमंड रिंग है वो रियल डायमंड रिंग है और इसे तुम रख सकते हो, और यदि तुम मेरे पे विश्वास ना करो तो तुम इसको एग्जामिन भी करा सकते हो। तभी थीफ बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ रियल हो, और इसके अलावा तुम मुझे इतनी रियल चीज़ क्यों दोगे? रियल और कीमती चीज़ उसे कोई क्यों देगा? तो फेक डाइटी बोलता है कि लेकिन इसमें गलत क्या है यदि मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ तो, और मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं करके। अब दिखाते हैं कि ये दोनों वैम्पायर और जॉम्बी हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं, और वो बोलता है वैम्पायर बोलता है कि हम हमारा जो ट्रिप है दो लोगों का हम उसे अनाउंस करेंगे कि हम हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, और वो ये भी बोलता है जॉम्बी को कि तुमने एक बहुत ही अच्छा स्पॉट चूज़ किया है। और तभी वैम्पायर बोलता है कि चूँकि तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम्हें मैं रिवॉर्ड दूंगा करके। तो जॉम्बी बोलता है कि ठीक है मैं मेहनत करूंगा सारे रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। और तभी उनका जो सूटकेस है वो खींच खींच के वो लोग जाने लगते हैं, और वहाँ पर एक आदमी होता है जो वहाँ पर बोलता है उनको जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं कि हमारे वैल्यू वाले गेस्ट आप लोग इस हॉट स्प्रिंग में आए जो आपने रिजर्व किया है करके। और यहाँ दिखाते हैं कि जॉम्बी और वैम्पायर एक साथ बैठे हुए हैं, वैम्पायर आराम से जॉम्बी के गोद में चढ़ के बैठा होता है, और जॉम्बी बोलता है कि ब्रदर कि आप मेरे बॉडी पिलो वाले हॉट स्प्रिंग विला में क्यों हैं करके। और तभी वैम्पायर बोलता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, और
जॉम्बी बताता है कि ब्रदर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है करके मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन किया था इसमें पहली ही बार में। तो ये जो आदमी आया होता है वो बोलता है कि सॉरी सॉरी ये हमारा मिस्टेक है करके। और तभी क्या होता है कि ये बोलते हैं कि आदमी बोलता है कि तुम दोनों एक जैसे ही दिखते हो, तो मुझे लगा कि तुम लोग एक ही आदमी हो। तो जॉम्बी बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों एक ही है। मेरे पास मेरा बॉडी है जो पिलो की तरह है और इसके पास नहीं है करके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ लोग और आ रहे होते हैं अपना लगेज लेके, और इसमें क्या होता है कि ये हमारी सिस्टर है जो वेम्पायर की सिस्टर है वो आ रही होती है अपने बेटे के साथ, और उसका बेटा बोलता है कि ब्रदर एंड सिस्टर हम लोग यहाँ अपना लगेज रख सकते हैं और उसके बाद हम घूमने जा सकते हैं, और ये याद रखना कि अपना लगेज वगेज रखने के बाद दरवाजा बंद करना भूलना नहीं। तभी ये आदमी बोलता है भूरे बाल वाला कि मदर ये जो हॉट स्प्रिंग है मैंने आपके लिए रिजर्व किया था करके, यहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन किया था। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर वेम्पायर है और जॉम्बी है और जॉम्बी का भाई भी है। तो वो लड़की, चूंकि यही लड़की वो मेड है जिसने इन दोनों भाइयों को कॉफिन में सफोकेट करके मार दिया था, वो भी यहाँ आती है और देखती है कि ये लोग सब यहाँ हैं। तो वो बोलती है कि योर मैजेस्टी क्या तुम भी कम्प्लीटली नहीं मरे थे क्या? तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि सुई। तभी वेम्पायर बोलता है कि आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर ये आदमी है जो होटल में हॉट स्प्रिंग में देख रेख करता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो, मतलब वेम्पायर और वेम्पायर की बहन जो है वो काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। तो वेम्पायर बोलता है कि तुमने पहले भी ऐसे ही कहा था लेकिन वो लोग वाकई में ब्रदर हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ, और लेकिन ये तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे और मेरी सिस्टर को एक कैसे समझ सकते हो, तुम कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? तो जो ये आदमी है वो उसको अपनी बुक दिखाता और बोलता है ये देखो तो इसमें दो बैट्स बने होते हैं। तो बोलता है कि यदि कलर तुम दोनों का अलग कर दिया जाए तो तुम दोनों बेसिकली सेम ही दिखते हो। अब वेम्पायर जो है वो वाइट कलर का है और जो उसकी सिस्टर है वो थोड़ा सा लाइट येलोइश कलर की है। और तभी वेम्पायर जॉम्बी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था ये वाले फ़ोटो यूज़ करने के लिए रिजर्वेशन के लिए? तो जॉम्बी बोलता है ये फ़ोटोज़ क्यूट थे इसलिए उसने ये रिजर्वेशन करने के लिए ये वाले फ़ोटोज़ दिए हैं करके। तभी होटल का ये जो आदमी है वो बोलता है कि आप लोग 1 मिनट रुकिए, हम आपके लिए कोई और विला प्रिपेयर करते हैं। और फिर बाद में वो थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है कि मैं आपको कंपनसेशन दे दूं आपको इस हॉट स्प्रिंग की ट्रिप के लिए, मैं आपका ये पूरा कम्प्लीटली फ्री कर देता हूँ। तो वेम्पायर और वेम्पायर की सिस्टर जो होती है वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हाँ तभी जॉम्बी का भाई बोलता है कि हमने ये प्लेस को रिजर्वेशन किया था तो हम वैसे भी यहाँ से जाने नहीं लगे जाएंगे नहीं करके। तभी वो गोल्डन हेयर वाला लड़का बोलता है जो हमारे वेम्पायर की बहन का बेटा है, वो बोलता है कि हमको स्विच भी नहीं करना है, मतलब हम किसी और विला में भी नहीं जाएंगे, और हम जो है वैसे भी आगे देख रहे थे यहाँ आने के लिए और हमने हाफ ईयर पहले ही इसका रिजर्वेशन कराया था। तभी वेम्पायर बोलता है कि जो वो उसका जॉम्बी पार्टनर है वो काफ़ी समय से सोया नहीं था सिर्फ इस विला का रिजर्वेशन कराने के लिए। और तभी जो वेम्पायर लेडी होती है वो बोलती है कि ठीक है ये सब छोड़ो, हम वैसे भी एक ही फैमिली के हैं और ये विला जो है काफ़ी बड़ा है तो हम लोग सब एक एक रूम ले सकते हैं। तभी जो इस विला का मैनेजर है वो बोलता है कि ये जो विला है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हर कमरा वमरा जो है वो हनीमून के लिए है और ये हनीमून कपल हनीमून के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बेडरूम है करके। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब रात हो चली होती है, विला में लाइटें जल रही होती है,
और दिखाते हैं कि एक छोटा सा बेडरूम है, और वो हमारा वैम्पायर बोलता है जॉम्बी को कि यदि तुम अपने शरीर को एक्सपोज ज़्यादा करोगे और तो जो यहाँ के एलिमेंट्स हैं उससे तुम्हारा बॉडी जो है फिर से श्रिंक होने लगेगा, और मुझे तुम्हें नहलाने की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि तुम फ्रेश दिखो, फ्रेश दिखो। और ये सब जो है वैम्पायर अपने नींद में बोल रहा होता है, और इस कमरे में वैम्पायर और जॉम्बी दोनों एक दूसरे को हग करके सो रहे होंगे। तो जॉम्बी भी बोलता है कि वो जो है वो बात करना चाहता है लेकिन वो वेनिगर में नहाना चाहता है, तो जिससे कि वेनेगर में नहाएगा तो जो गार्लिक की स्मेल है और गार्लिक जो है वो प्रिजर्व होंगे, क्योंकि वेनेगर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए डाली जाती है, और शायद इसीलिए जॉम्बी भी ऐसा सोच रहा है कि यदि वो वेनेगर से नहाएगा तो उसका स्मेल प्रिजर्व हो जाएगा। अब दिखाते हैं दूसरा रूम जो कि मास्टर बेडरूम है। वहाँ पर हमारी वेम्पायर लेडी बैठी होती है और सोच रही होती है। काफ़ी देर अपने रूम में इंतज़ार करने के बाद वेम्पायर लेडी बाहर निकल के देखती है, तो देखती है कि उसका बेटा जॉम्बी के भाई से बात कर रहा होता है, और वो बोलता है कि ऐसे तो मुझे और मेरी माँ को बेडरूम मिलना चाहिए था, एक एक, मतलब दो बेडरूम थे तो एक उसका होना चाहिए था और एक उसकी माँ का होना चाहिए था, और ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, और चूंकि अब हम तीन लोग हैं तो अब हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा करके। तो जो ये लेडी वैम्पायर का बेटा है वो बोलता है कि मैंने इस प्लेस को पहले रिजर्व किया था, तो जो बिस्तर है वो मेरी मदर को मिलना चाहिए। जॉम्बी का भाई सब सुन रहा होता है और अपने बालों को कंघी कर रहा होता है, और तभी वैम्पायर लेडी आती है और बोलती है कि सन देखो वो कितना ब्यूटीफुल है, वहाँ पर कितने सारे पिलर्स हैं, और ये जो पिलर्स हैं ये रियल किसी चीज़ से बनाए गए हैं करके। तभी बेटा बोलता है कि मम्मी तुम जो बहुत ही नॉलेज है तुमको इन सब चीज़ों का, और ये जो विला है वाकई में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके बनाई गई है। तो उसकी माँ बोलती है इसीलिए तुम क्या है बैट में टर्न हो जाओ और तुम उन पिलर्स के ऊपर लटक के सो सकते हो यदि तुम बैट में टर्न हो जाओगे तो, और तुम्हें यहाँ सवेरे से पहले आने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका जो बेटा होता है वो रोते हुए बैट में बदल जाता है और बोलता है कि अब उसकी माँ जो है उसको प्यार नहीं करती है, और तभी उसकी मदर बोलती है कि मैं भी वैसे ही सोऊंगी, मतलब जैसे बैट बन के सोएगी वो, और लेकिन वो जाने से पहले बोलती है कि योर मैजेस्टी आप जाइए और बिस्तर ले लीजिए। तो वो देखती है कि जॉम्बी का जो भाई है वो सोफे पे ही लेट जाता है, और ये लड़की फिर से बोलती है कि योर मैजेस्टी यदि आप यहाँ सोएंगे तो बेड पे कोई भी नहीं सोएगा तो बेड अकेला नहीं हो जाएगा क्या करके, लेकिन जॉम्बी का भाई जो है वो गहरी नींद में सो रहा होता है, और ये वैम्पायर लेडी जो है वो जॉम्बी को देख रही होती है, और फिर जाती है और जाके वो उसको कुछ बेडशीट जैसा उड़ा देती है। अब नेक्स्ट डे हो चुका होता है, और जो हमारे होटल का मैनेजर होता है हॉट स्प्रिंग का वो आता है और बोलता है कि हमारे गेस्ट आप लोग यहाँ आइए और यहाँ आके शावर लीजिए, और वहीं पे वैम्पायर सोच रहा होता है कि ये कितना खूबसूरत है करके। अब दिखाते हैं कि शावर कैसा है यहाँ का। तभी वैम्पायर के बालों में जॉम्बी फूल को फिक्स कर रहा होता है, और तो वैम्पायर बोलता है कि क्या तुम्हारा भाई हमसे बात करना चाहता है क्या, तो जॉम्बी बोलता है कि क्यों। तभी वैम्पायर पॉइंट आउट करता है अपनी उंगली को और बोलता है उस तरफ देखो, और जब वो लोग देखते हैं तो दीवार की आड़ में जॉम्बी का भाई खड़ा हुआ दिखाई देता है, और वैम्पायर जो है वो बोलता है कि इसी तरीके से तुम्हारा भाई 30 मिनट से खड़ा है और हमें ऐसे देख रहा है, पिछले 30 मिनट से वो यहीं खड़ा हुआ है। तो जॉम्बी बोलता है कि मैं ये बात समझ सकता हूँ, और वो बोलता है कि ब्रदर वेट मैं आता हूँ और तुम्हें हेल्प करता हूँ।
जो जॉम्बी है वो अपने ब्रदर के पास जाता है और अपने ब्रदर के शर्ट के बटन्स को देखने लगता है। तो बताता है, जॉम्बी बोलता है कि जो ब्रदर है वो क्राउन प्रिंस बना, फिर एम्परर बना, और इसको इन सब प्रोसेस में कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों ने सर्व किया है, मतलब दूसरे लोग इसका सब कुछ देखते थे। तो मेरे भाई को जो है वो कपड़े निकालना नहीं आता और ना ही उसको खुद अपने आप शावर करना आता है, ऐसा जॉम्बी बताता है। और जॉम्बी का भाई भी ये बात सुनता है, और तभी जॉम्बी बताता है कि वैसे मुझे भी ये सब करना नहीं आता है। और तभी ये बोलता है कि जॉम्बी बोलता है कि जल्दी करो, मुझे किसी तरह तुम बचाओ। तभी वैम्पायर बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ो और किंडरगार्टन की क्लासेस के लिए एप्लीकेशन दे दो और वहाँ साइन अप कर लो। अब दिखाते हैं कि हमारा वैम्पायर आगे आगे बढ़ता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो कि हर्ब्स की है। तो जॉम्बी बताता है कि ये जो स्मेल्स हैं वो हर्ब की है जो मेडिसिन में यूज़ की जाती है, और ये पूरे वर्ल्ड में कंट्री में सब जगह से चुन चुन के आती हैं और तब जाके इसका बाथ वाटर बनता है। तो ये जो है ये तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है। तो वैम्पायर इसको देखता है कि पानी कितना अच्छा है और इसमें कितने सारे हर्ब्स पड़े हैं, तो वो थैंक यू बोलता है जॉम्बी को। तभी जॉम्बी बोलता है कि 1 मिनट रुको, एक और लास्ट चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और फिर तो जॉम्बी उस चीज़ को दिखाता है, और तभी हमारा वैम्पायर बोलता है कि ये बहुत ही प्रिटी है। और क्या देखता है कि यहाँ पर स्नो लोटस है जो सिर्फ माउंटेन्स पे उगता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि ये लोटस है जो माउंटेन्स पे उग रहा है। और तभी जॉम्बी बताता है कि ये लोटस नहीं है, ये गार्लिक का स्किन है जिसे उसने पील किया था अपने हाथों से। और बताता है कि ये जो है क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से तुम्हें बचाएगा और तुम्हें ये पाइल्स होने से भी बचाए। तभी वैम्पायर का मूड ख़राब हो जाता है और वो बोलता है इनफ, बस करो, और ये बहुत बार हो चुका है तो तुम्हें ऐसा अब नहीं करना चाहिए और मैं अब तुमसे डिवोर्स लेने जा रहा हूँ करके। तो जॉम्बी को एकदम से शॉक लगता है और उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है। दोनों हॉट स्प्रिंग में मतलब बात ले रहे होते हैं, और तभी वैम्पायर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई सपना देखा। तो बेसिकली ये सब सपना था। और तभी जॉम्बी जो है वो वैम्पायर को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि मैं कभी भी अब आज के बाद से गार्लिक को मेंशन नहीं करूँगा, आज के बाद से मैं गार्लिक के बारे में कभी भी बात नहीं करूँगा। तो वैम्पायर जो है वो बोलता है कि कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसी गुड चीज़ कैसे हो सकती है, और मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और ये इन्फेक्टेड हो गया है गार्लिक के पेस्ट से। तभी क्या होता है, उनके हॉट स्प्रिंग का मैनेजर आता है और बोलता है कि हमारे अच्छे गेस्ट, मैं बहुत ही क्लमजी हूँ, क्या मैं अपने बड़े मेरे से ऊपर जो चीफ है उनका हेल्प लूँ क्या करके। और ये जो गेस्ट होता है मतलब ये जो होटल का मैनेजर है वो आता है इसके पास, लेडी वैम्पायर के लड़की के पास, और लेडी वैम्पायर का लड़का बोलता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बालों को धोने में मेरी मदद करो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि यदि ये तुम गलती नहीं करते तो मुझे सारी रात में बैट बन के पिलर के ऊपर, यानी पिलर के ऊपर लटक के सोना नहीं पड़ता, और तुम जो है अब फटाफट काम करना चालू करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूँगा, और इधर आओ और मेरी पोनी टेल को खोलो। तो ये मैनेजर आता है और ये ब्लॉन्ड मतलब भूरे बाल वाले आदमी की बालों को खोलता है, मतलब पोनी टेल को खोलता है। जब खोलता है तो इसके बाल बड़े घने से सुंदर से नीचे की तरफ लहरा के निकलते हैं, और मैनेजर ये देख के थोड़ा सा भौचक सा रह जाता है। तभी ये लड़का ऑर्डर देता है कि तुम वहाँ खड़े ही क्यों हो, इधर आओ और मेरे बालों को कंघी भी करो।
और तभी मैनेजर बोलता है कि गेस्ट आप कितने ब्यूटीफुल हैं करके, और वो उसके बालों को देखने लगता है और बोलता है कि इतने सुंदर हो आप कि स्टार्स के साथ भी आपका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, और आप एकदम एंजल की तरह हो, जैसे एंजल साक्षात धरती पे उतर के आई हो करके। तभी आवाज़ आती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं खुद ही अपने आप ये सब कर लूँगा। और जो लड़का है वो इस मैनेजर को धक्का देता है और बाथरूम से बाहर निकाल देता है। और जब सब चले जाते हैं तो वो अपना लोशन वोशन हाथ में निकाल रहा होता है और सोचता है कि ये जो आदमी था ये कितना स्वीट सा बोल रहा था, इसकी जो टंग है वो सिल्वर टंग है करके। सिल्वर टंग यानी कि लीपा पोती करके जो लोग बोलते हैं और जिनकी बातें अच्छी लगती है, यहाँ पर सिल्वर टंग का ये अर्थ है। और तभी दिखाते हैं, औरत पूछती है कि सन मेरा तो हो गया है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तभी बाथरूम के अंदर से आवाज़ आती है कि मदर, और मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है तो मेरे को बात करने में टाइम लगेगा। और बताते हैं कि मुझे 3 से 4 घंटे और लगेंगे करके। और तभी वो बोलता है कि इतना टाइम तो वैम्पायर्स को लगता ही है, इतने समय के बाद आखिरकार वो लोग नहा रहे हैं। तो उसकी मदर जो है वो सोचती है कि क्या ही चल रहा है, और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम ऐसे टाइम को वेस्ट करो। और बोलती है कि बिहेव करो और मुझे काटना मत। वो अपनी मदर को बैट उसकी जो मदर है देखती है कि उसका सन जो है बैट में कन्वर्ट हो गया है, और उसकी मदर फटाफट ब्रश उठाती है और बैट को नहला देती है। और बोलता है बैट बोलता है कि मदर जो मुझे जो है तुम नहलाते वक्त थोड़ा ध्यान से नहलाओ, ये ब्रश मुझे चुभ रहा है करके। अब ये होटल का मैनेजर आता है एक स्पेशल सर्विस लेके और बोलता है कि अल्कोहल इधर पे है और आप लोग इंजॉय कीजिए करके। तभी वैम्पायर बोलता है कि भाई तुम हर जगह क्यों आ जाते हो। और तभी मैनेजर बोलता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, और ऐसा नहीं करूँगा, ये मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं अपनी अर्निंग कैसे करूँगा, और मैं यहाँ का चीफ हूँ हॉट स्प्रिंग प्लेस का, और यदि आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाइएगा। ऐसा कहते हुए वो एक कप जॉम्बी को देता है, और ये भी बोलता है कि यदि आपको कोई स्पेशल सर्विस चाहिए हो तो उसके लिए भी बुलाइएगा। ये स्पेशल सर्विस से यहाँ पर मतलब थोड़ा दूसरे तरह की सर्विस है। और तभी ये गोल्डन हेयर वाला जो वैम्पायर है जो अभी अभी बैट में बदला था और जिसकी मम्मी ने अभी उसको ब्रश से रगड़ के नहलाया था, वो बोलता है कि क्या तुम उस टाइप की सर्विस के बारे में बात कर रहे हो। तो ये बोलता है मैनेजर बोलता है हाँ तुम जो बहुत ही मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तभी क्या होता है हमारा जॉम्बी बोलता है कि उसे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मेरे इसके पास तो ऑलरेडी मैं हूँ। ये जॉम्बी को लग रहा होता है कि शायद वो इस वैम्पायर को ये सारी सर्विसे ऑफर कर रहा है। और तभी वैम्पायर बोलता है कि भाई तुम क्या ही सोच रहे हो, और जॉम्बी बोलता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया। और तभी लेडी वैम्पायर बोलती है कि मुझे इन सब में भी इंटरेस्ट नहीं है, और बोलती है कि इन बच्चों का एज जो है वो सिर्फ 2 डिजिट के बराबर का है और मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। तभी हाथ उठाता है एक आदमी और बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, और बोलता है कि एक काम करो मेरे लिए एक प्रिपेयर करो। और फिर बोलता है नहीं तुम एक नहीं मेरे लिए 2 प्रिपेयर करो, और ऐसा कह के वो इस आदमी को भेज देता है। और ये भूरे बाल वाला आदमी बोलता है कि प्राइस की चिंता मत करना, जितना भी होगा चलेगा, पर तुमको अच्छा दिखना पड़ेगा और तुम में काफ़ी एनर्जी होनी पड़ेगी। तो ये मैनेजर जो होता है बोलता है ठीक है मैं समझ गया, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई करूँगा। और तभी ये लोग एक कमरे में पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर वाले आदमी को बोलते हैं कि सर आप यहाँ पर लेट जाइए। तो जिन मैनेजर ने बेसिकली ये थीप को और नकली डाइटीज को अरेंज किया है। और तभी थीप बोलता है कि आपको एक एनर्जेटिक मसाज भी मिलेगी, हम आपकी सर्विस में हाजिर
हाजिर है। तो ये भूरे बाल वाला आदमी पूछता है कि क्या, और रुको। और तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और जॉम्बी और वैम्पायर दोनों सुन रहे होते हैं। जो आवाज़ में ऐसी आ रही होती है जिसमें कोई कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब क्या होता है कि दिखाते हैं कि ये जो है साउथर्न के वैम्पायर्स हैं, और यहाँ पर जो हमारा वैम्पायर है मतलब लेडी वैम्पायर का जो लड़का है वो एक्चुअली में मसाज ले रहा होता है, और लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर किसी और ही टाइप का काम चल रहा है। और तभी ये थीफ बोलता है जो इस वक्त मसाज वाला बना हुआ है कि तुम्हारे बॉडी पर बहुत सारा डर्ट लगा हुआ है। तो हमारा फेक डाइटिस आता है और बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारा आप स्क्रबर ख़रीद लीजिए, हमारा स्क्रब जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी स्क्रब की बात कर रहे हैं। और ये बोलता है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा और इससे डर्ट भी साफ हो जाएगा, और जो सी ब्रीज का बॉडी लोशन है वो भी हमने आपके ऊपर अप्लाई कर दिया है। और तभी ये सोच रहा होता है कि ये लोग कैसे उसके ऊपर ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, और सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहे हैं मुझे मेरे साथ ऐसा सब करके। मतलब उसको ऐसा लग रहा है ये लोग उसको मसाज दे रहे हैं, तो ये वैम्पायर को लग रहा है, लेडी वैम्पायर के सन को, कि ये सब उसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं ऐसा करके। और तभी हमारा जो फेक डाइटी होता है, जैसा कि हमेशा वो अपने कपड़े उतार के दिखाने लगता है, एक बार फिर वो अपने कपड़े उतारता है और बोलता है इस तरफ देखो। तो जो ये हमारा लेडी वैम्पायर का सन है उसको समझ में नहीं आता, वो डर सा जाता है कि भाई ये आदमी मेरे सामने कपड़े क्यों उतार रहा है, और बोलता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और ये किस टाइप की स्पेशल सर्विस तुम मुझे देना चाह रहे हो। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्पेशल गुड्स हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं स्पेशली वेम्पायर्स के लिए। क्योंकि हमारे जो फेक डाइटी है उसकी आदत होती है कि वो हमेशा जो भी शर्ट पहनता है वो शर्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लटका के रखता है, इसलिए वो बार बार अपने कपड़े उतार देता है और लोग उसे गलत समझ लेते हैं। और तभी हमारा फेक डाइटी जो है अपने चीज़ों का वो करना चालू कर देता है, इश्तिहार देना कि देखो ये शैम्पियन ग्लास है, ये कितना अच्छा है, इसके अंदर मैंने जो है फेक ब्लड भर के रखा हुआ है, और इसको जो है तुम किसी पार्टी वगैरह में जाओगे तो तुम इसको सीक्रेटली ड्रिंक भी कर सकते हो कोक डाल के, और ये जो है देखो मेरे पास विंग प्रोटेक्टर्स है, यानी जब तुम बैट में कन्वर्ट होगे तो तुम्हारे विंग्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे, और इससे इससे तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की बर्ड हो या विंड हो किसी भी चीज़ से तुम आराम से निकल जाओगे, कोई भी चीज़ तुमको बाधा नहीं डालेगी। और तभी वो एक रेक निकालता है जो कि बेसिकली पेट्स के कोम करने के लिए होता है, और बोलता है कि ये कैट का हेड कोम करने के लिए, तो ये कैट और डॉग की कंघी है एक तरीके से। और वो बोलता है कि तुम इसे भी ले सकते हो और अपने पेरेंट्स को दे सकते हो जो कि कैट में टर्न हो गई है, और इस तरह से तुम एकदम एक अच्छे बच्चे में गिने जाओगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि देखिए हमारे बेटे ने ऐसा किया है हमारे लिए, वैसे ही अब से तुम्हारी भी वाह वाह होगी यदि तुम ये कंघी अपने कैट फादर को दोगे। तो अब ये जो लेडी वैम्पायर का बेटा होता है ये तो सब भूल ही जाता है कि यहाँ मसाज कराने आया था, इसका ह्यूमिलेशन हो रहा था, वो ये सारी चीज़ें देखता है और बोलता है मुझे ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो हमारा फेक डाइटी बोलता है ठीक है, आपने ये सब परचेज किया, इसके लिए आपको हमारा बार कोड जो है स्कैन करना होगा और हमारे प्रोडक्ट के लिए पेमेंट देना होगा। और तभी क्या होता है कि जो वैम्पायर लेडी वैम्पायर का बेटा होता है वो उठता है और इस फेक डाइटी के शर्ट को खंगालने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी एक शर्ट की तरफ तो इसने तीन प्रोडक्ट्स दिखा दिए लेकिन दूसरी शर्ट के तरफ में क्या है करके। तो फेक डाइटी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उस तरफ कुछ नहीं है, और ये जो है इस तरफ जो भी है वो मेरे फैमिली का है करके। अब दिखाते हैं दूसरी तरफ कि हमारे थीफ चोर बैठा होता है और सोच रहा था कि मेरे हाथ आज बहुत दुख रहे हैं, और ये जो जॉब था मसाज देने वाला ये बहुत ही टायरिंग जॉब है। तभी आवाज़ आती है, कोई बोलता है कि लिटिल थीफ इधर आओ, और ये कोई और नहीं होता उसका फेक डाइटी होता है जो उसको बुला रहा होता है। और तभी ये चोर बोलता है कि अब क्या हुआ, और तभी वो देखता है कि
वहां पर एक बड़े से टब में पानी भरा हुआ है और उस पानी में एक छोटी सी टॉय वाली डक है और एक छोटी सी टॉय वाली शिप भी है, और वो उसको दिखाता है और बोलता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो हमारा जो चोर है बहुत ही खुश हो जाता है और फटाक से उस टब के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि हालांकि ये स्मॉल है लेकिन इसमें नहाने से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और तभी वो देखता है कि जो फेक डाइटी है वो उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहा है, और वो बोलता है क्या तुम इसके अंदर सॉल्ट डाल रहे हो क्या? तो वो बताता है कि ये सॉल्ट नहीं, ये लॉन्ग टी है करके। तो चोर को समझ में नहीं आता कि क्या है, और तभी वो पूछता है कि तुम टी की पत्तियाँ यानी चाय की पत्तियाँ पानी में क्यों डाल रहे हो, और क्या तुम मुझे चाय में बदल दोगे क्या? और तभी हमारा फेक डैडी बोलता है कि तुम इसमें नहाओ तो सही और फिर मुझे देखने दो कि कैसा लगता है। और तभी वो देखता है कि उसका हाथ भी पानी के अंदर आ रहा होता है, तो हमारा चोर बोलता है कि अपना हाथ जो है पानी में से बाहर निकालो। और तभी हमारा फेक डाइटी बताता है कि सिर्फ इसमें टी लीव्स ही नहीं है, इसमें और कुछ भी है। तो उसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर के कुछ फ्लावर्स गिरने लगते हैं, और जो चोर है वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये वाकई में गुलाब की पंखड़ियाँ होती है। और दिखाते हैं कि डाइटी कैसे उसको गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब कलेक्ट कर करके दे रहा होता है। और तभी दिखाते हैं कि हमारा जो चोर है वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि चाय की पत्ती का जो बात था वो बहुत ही अच्छा था। और तभी हमारा फेक डाइटी बोलता है कि तुम पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। और तभी थी बोलता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने हाथों को देखो, इसमें कितना कुछ जमा हो गया है और पास्ट के 2 दिनों में तुमने कितनी मेहनत की, अब तुम्हारे हाथ एकदम कड़क हो गए हैं। और तभी हमारा फेक डाइटी बोलता है तुम जल्दी करो मुड़ो, और वैसे भी तुम्हें मसाज देने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। चोर जो है बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में यदि तुम थक जाओ तो मुझे ब्लेम मत करना। और तभी देखता है कि जो फेक डाइटी है वो मसाज देने लगता है और ये पूछता है कि क्या ये तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है। और तभी हमारा चोर बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम्हारे जो हाथ है वो काफ़ी वर्म है करके, और मुझे तुम्हारे हाथों के ऐसे करने से नींद आ रही है, और ऐसे में वो सो जाता है। अब जो फेक डाइटी है वो देख रहा होता है और मसाज कर रहा होता है, अभी भी मसाज ही कर रहा होता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे होते हैं, और फिर बाद में आखिरी में वो उसको एक कपड़े से ढक देता है। और तभी क्या होता है कि ये दोनों सो रहे होते एक ही बिस्तर में, और तभी ये वेम्पायर लेडी का बेटा आता है और दरवाज़ा खोलता है, और तभी बोलता है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए जो विंग्स प्रोटेक्टर थे उनको यूज़ किया है, तो तुम देख के बताओ कि मेरे जो डायमंड्स लगे हुए हैं मेरे विंग्स में वो ठीक से शाइन कर रहे हैं कि नहीं। आता तो वो ये कहने के लिए, लेकिन दोनों को देखता है कि दोनों सो रहे होते एक दूसरे से चिपक के, तो वो वापस दरवाज़ा बंद करता है और चला जाता है। अब दिखाते हैं दूसरी तरफ की जॉम्बी का भाई और हमारी वैम्पायर लेडी का सीन, जिसमें हमारा जॉम्बी का भाई सोच रहा होता है कि उसकी शैन डोंग ग्रीन ऑनियन जो है उसने वो अपने बेडरूम में प्रिपेयर की है, क्योंकि उसकी जो है अल्कोहल है वो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं करती है इस हरे ऑनियन के बिना। लेकिन वो क्या देखता है कि यहाँ पर जो वैम्पायर लेडी है वो अजीब सी पड़ी हुई है, और वो सोचता है कि ये थोड़ा सा ही पी के एक ग्लास में ही ऐसी टुंसी हो गई है। वो देखता है कि लेडी वैम्पायर सो रही होती है, और तभी वो उसको बेडशीट से कवर कर देता है। तभी आवाज़ आती है कि मदर क्या आप बेडरूम के अंदर है? तो जॉम्बी का भाई थोड़ा सा भौचक रह जाता है, और तभी वो लड़का आता अंदर और बोलता है मदर क्या आपने वापस से पी ली है, आपको अपना फेस जो है उठ के वॉश करना चाहिए। और तभी वो बोलता है कि इतने सारी सेंचुरीज के बाद मैं अभी भी अल्कोहल को डिफीट नहीं कर सकती हूँ करके, और किसी तरह वो अपनी माँ को चप्पल वप्पल पहनाता है और ले जाने लगता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अब ये जॉम्बी का भाई जो है वो छुपा हुआ बैठा होता है, और तभी
उसकी माँ बोलती है कि वार्डरोब का जो डोर है वो ठीक से बंद नहीं है, तो मैं इसे ठीक से बंद कर देती हूँ, और इस बार तो वो उसमें ताला ही लगा देती है और बोलती है कि हम लोग जो हैं ऐसे किसी का भी ब्लड नहीं पी सकते हैं, तो हमें हमारा जो डोर है हमेशा क्लोज रखना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक मैनर्स होते हैं, और ये वाले मैनर्स एज ए वैम्पायर हमें होने चाहिए। तो उसका बेटा बोलता है कि ठीक है मदर, मैं हमेशा इसे रिमेम्बर करूँगा। अब ये जो जॉम्बी का भाई होता है ये फिर से वहीं छुपके जो क्लोसेट में बैठा होता है वो सोचता है कि भाई रुक जाओ, क्योंकि इस बार फिर इसको बंद कर दिया गया। पिछली बार इसको बंद करके सफोकेट करके कॉफिन में मार दिया गया था, इस बार मरने के बाद जब वो जॉम्बी बन गया है तो उसकी उसको क्लोसेट में ताला लगा के चले गए हैं ये लोग। तभी मैनेजर आता है और बोलता है कि मेरे वैल्यूएबल गेस्ट, ये हॉट स्प्रिंग का ट्रिप जो है वो आज एंड हो रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ को विश करता हूँ। तो सब लोग उसको थैंक यू बोलते हैं। और तभी मैनेजर बोलता है ये हमारे लेडी वेम्पायर के बेटे को कि आप जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, एंजल हो, तो आप हमारे प्लेस को नेक्स्ट टाइम भी विज़िट करने आना। तो लड़का बोलता है ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम विज़िट करने आऊँगा। तभी वेम्पायर जो है वो देख रहा होता है और कि ये आदमी कब से इस तरीके से बिहेव करने लग गया, मतलब वैम्पायर का तो ये नेफ्यू है तो वो अपने नेफ्यू के बारे में ऐसा सोच रहा होता है, और ज़ॉम्बी सोच रहा होता है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया है। और इधर पे दिखाते हैं कि लेडी वैम्पायर उस तरफ से जा रही होती है, तो बोलती है कि हमारे जो हिज मैजेस्टी हैं वो बिना बताए हमें जाएंगे नहीं, पक्का कुछ हो गया होगा करके। और तभी वैम्पायर सजेस्ट करता है कि ठीक है तो हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए और उनको ढूंढना चाहिए। तभी जॉम्बी बोलता है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रदर तो पहले ही मर चुके हैं करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो वर्ल्ड है अब उन्हें कोई ट्रबल भी नहीं कर सकता। लेकिन उस क्लोसेट में कोई खटखटा रहा होता और वो जॉम्बी पूछ रहा होता कि कोई तो हो यहाँ पर, कोई मुझे बाहर निकालो, और जॉम्बी का जो भाई है वो क्लोसेट में बैठ के रो रहा होता है, और वहाँ से वो बोल रहा होता है कि कोई तो मुझे बाहर निकालो, कोई तो मुझे बताओ, मैं बचाओ, मैं फिर से सफोकेट नहीं होना चाहता हूँ। और तभी कोई बोलता है हमने उसे ढूंढ लिया, और जो लेडी होती है वो बोलती है आप लोग इधर आओ। और तभी देखते हैं कि ये जो हमारा जॉम्बी है वो फट से निकलता है और ये औरत को अपने गले लगा लेता है और रोने लगता है करके, और वो बोलता है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था अपने ऊपर से और सॉरी, और तब और बताता है कि ये बोलता है कि मुझे ना डोर क्लोज करने का सिंड्रोम है करके। और तभी ये औरत बोलती है कि ये लेकिन अजीब बात है मैजेस्टी, आपको ऐसी कोई बीमारी पहले तो नहीं थी। और तभी ये हमारा जॉम्बी का भाई सोचता है कि ये क्या बोले, और बोलता है कि ये मुझे तब से हो गया जब से मैं आधा मारा था, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है। तो हमारी लेडी वैम्पायर सोचती है कि तुमने मेरे वो, तब फिर हमारा जॉम्बी बोलता है जॉम्बी का भाई कि तुमने मेरी कब्र का जो डोर था वो शट डाउन कर दिया था और अंदर से मुझे बंद कर दिया था, क्या तुम ये भूल गई। तो ये लड़की याद करती है और बोलती है अच्छा तो ऐसा हुआ था, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था। तो जॉम्बी का भाई बोलता है पिछली बार कैसा हुआ था, तो वो जॉम्बी को मतलब फ्लैशबैक चालू होता है, वहाँ पर वो बताते हैं कि सारे सर्वेंट्स में से एक सर्वेंट तुम ही थी जिसे ठीक से चीज़ें याद रहती थी, और ये भी मुझे पता था कि तुम्हें विंड के साथ में एक्सपोज होना पसंद नहीं है, मतलब ये जो जॉम्बी का भाई है उसे विंड से एक्सपोज नहीं होना चाहिए करके, और तुम्हें अपने आप अपनी इच्छा से सारे डोर्स और क्या कहते हैं विंडोज़ को बंद करके सोते थे। और तभी उसे याद आता है कि जॉम्बी ने ऐसा भी कहा था कि तुम अपने पैलेस में रिटर्न मत करना और तुम यहाँ पर मेरी देखभाल करना, और क्या तुम ऐसा करोगी। तो ये जो लेडी वैम्पायर उनके पैलेस में एक्चुअली मेड होती है ना पहले, तो वो बोलती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती,
आपका जो ब्रदर है उसको तो अभी तक अपने खुद के पैंट्स पहनना नहीं आता है, और वो मेरा वेट कर रहा है कि मैं उसे अटेंड करूँ करके। और तभी वो लड़की बताती है, चूँकि उसे बैक एंड फोर्थ काम करना पड़ता था इसलिए उसने ये हैबिट डाल ली थी कि वो जहाँ से भी जाती थी वो सारे डोर्स को बंद करते हुए जाती थी। तो इसी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि मैंने टॉम के डोर को भी बंद कर दिया और मैंने आपको ऐसे सफोकेट करके मार दिया करके। तो जॉम्बी का भाई सुनता है और बोलता है कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज़ को रिमेम्बर रखना कि मतलब याद रखना कि तुम दरवाज़ों से दूर रहो, और जो वर्ल्ड है तुम्हारे दरवाज़ों से दूर रहने से ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली उसको अभी भी ये डर है कि ये औरत कहीं फिर सभी को बंदना करती फिरे, नहीं तो सभी ऐसे सफोकेट होके मर जाएंगे करके। अब हमारी वैम्पायर लेडी जो है वो खाना लेके आती है और बोलती है कि हमें हॉट स्प्रिंग पैलेस में एक्सटेंशन मिला है और हम पीसफुली रह पाएंगे, तो क्या आप रेस्ट करने से पहले कुछ खाना चाहोगे? तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि नहीं, और बोलता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अकेला बैठना चाहता हूँ। और तभी ये लेडी वैम्पायर बोलती है कि तुम अभी भी शिविर कर रहे हो, क्या तुम अभी भी शॉक में हो? तो जॉम्बी का भाई बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा, तुम्हें मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेडी वैम्पायर सुनती है और बोलती है कि योर मैजेस्टी मेरी तरफ़ देखिए। तभी जॉम्बी का भाई उसकी तरफ़ देखता है और तभी आवाज़ आती है म्याऊं म्याऊं की, और तभी जॉम्बी का भाई सोचता है कि ये, और तभी वो जो हमारी वैम्पायर लेडी होती है वो बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि यदि आप किसी सॉफ्ट टॉय को हग करो तो आपकी एंगजाइटी वगैरह जो है वो स्मूथ होती है और इससे हेल्प होती है, तो आप मुझे ट्राई करो हग करने का। तभी जो हमारा जॉम्बी का भाई है वो इसे अपनी गोद में उठाता है और देखता है, तो बोलता है कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है, और सोचता है कि मैं क्या थोड़ी सी और स्ट्रेंथ लगा सकता हूँ। तो ये जो लेडी है बोलती है हाँ ठीक है करके, और तभी वो उसको हग कर लेता है और बोलता है बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है करके। अब क्या होता है कि हमारे जॉम्बी का भाई ये किटी के साथ सो जाता है, और तभी जॉम्बी वो और जॉम्बी का जॉम्बी और वैम्पायर यानी हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दोनों भी आते हैं, और तब जॉम्बी बोलता है कि मेरे ब्रदर को वाकई में एक रियल पिलो मिला है। और तभी वैम्पायर बोलता है कि ये अपने सोते वक्त में मुस्कुरा भी रहा है और शायद हो सकता है कोई अच्छा सा ड्रीम देख रहा हो। तभी जो हमारी वैम्पायर लेडी का सन है वो रोने लगता है, तो वैम्पायर पूछता है कि भाई नेफ्यू क्या तुम अपनी मदर से दूर नहीं रह सकते हो? और तभी नेफ्यू बोलता है कि नहीं अंकल, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मदर हैप्पी है इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। तो वैम्पायर पूछता है तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तभी नेफ्यू बताता है कि ये जो है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये जो मेरे आंसू है वो खुशी के आंसू हैं। और तभी जॉम्बी के भाई को मतलब जो है वो तो किटी के साथ सो रहा है, और दूसरा एक पर्सन है जो थीव और फेक डाइटी है, वो दोनों एक साथ सो रहे हैं। तभी हमारा ये नेफ्यू सोचता है कि पूरा वर्ल्ड ही किसी ना किसी के साथ सो रहा है, सबके पास एक कपल है और लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा कपल नहीं है और मैं अकेला ही सिंगल क्यों हूँ करके। और वो ऐसा सोच के जॉम्बी और वैम्पायर के गले में मिल जाता है और वो वहाँ पर रोने लगता है, बोलता है उसे भी एक कपल चाहिए। तो वैम्पायर जो है बोलता है काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, और बोलता है कि ठीक है हम तुम्हें हमारे बेडरूम में सोने देंगे तो अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। अब दिखाते हैं कि एक बड़े से बिस्तर में ये सो रहा होता है, फिर वो उठता है और दरवाजे के पास जाता है और बोलता है कि अंकल मैं जो हूँ मुझे बहुत सैड सा फील हो रहा है, और क्या आप भी कैट में टर्न हो सकते हो और मेरे पास आ सकते हो तो मैं आपको हग कर सकूँगा। तभी जॉम्बी बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अभी उसे यूज़ कर रहा हूँ करके। तो वापस ये लड़का अपने बिस्तर में जाता है नेफ्यू, और वापस लेट जाता है और रोने लगता है कि तुम लोग सब विलन हो करके।
और मुझे भी एक पार्टनर चाहिए सोने के लिए। तभी इसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, तो ये पूछता है कि कौन है, और देखता है कि मैनेजर आया है, और वो अपने साथ में कुछ ड्रिंक्स लेके आता है, कुछ खाना लेके आता है, और बोलता है कि ये सफ़र है जो मैं आपको इस टाइम पे देने आया हूँ, और इसे आप खाएंगे तो आप में बहुत चीयर अप हो जाएंगे। और तो वो देखता है कि उसके अंदर एक रेड कलर का ड्रिंक है, और वो सोचता है कि ये जो है वो ब्लड है, और वो तुरंत पूछता है कि तुम जानते हो कि मैं वैम्पायर हूँ करके। और तो मैनेजर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और हमारे यहाँ पहले भी वैम्पायर गेस्ट आ चुके हैं करके। और तभी वो हमारा ये वैम्पायर लेडी का सन पूछता है कि किस फैमिली के थे। तभी मैनेजर बोलता है कि जो गेस्ट पिछली बार आए थे वैम्पायर फैमिली के, उनका जो बैकग्राउंड है वो किसी को भी नहीं पता है, ये एक मायस्ट्री है। और तभी क्या होता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक किटी है, और बोलता है कि यही है वो जो आए थे। और ये बताता है कि ये गेस्ट हमारे यहाँ पर हमेशा एक मसाज रूम एवरी मंथ जो है बुक करते हैं, और मैंने इनके फर को कई बार ब्रश भी किया है। और तभी देखता है कि कैट बिस्तर पे लेट गया है और म्याव 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 कर रहा है करके। और तभी जो हमारा वैम्पायर लेडी का सन है वो और मैनेजर उस किटी को देखने लगते हैं। तभी खाना वाना ख़त्म हो जाता है, उनका जो ड्रिंक है वो भी ख़त्म हो जाता है। और तभी मैनेजर पूछता है कि आप मुझे बहुत ही अनहैप्पी से लग रहे हैं। और तभी वैम्पायर लेडी वैम्पायर का बेटा बोलता है कि हाँ मेरा जो स्टमक है वो बहुत ही फिल है, लेकिन मेरा हार्ट जो है वो बहुत एम्प्टी फील हो रहा है। वापस वो बिस्तर पे लेटता है और रोने लगता है, और बोलता है कि मुझे भी कोई सॉफ्ट सी चीज़ चाहिए जिसके साथ मैं कडल कर सकूं, और मेरे पास कोई भी नहीं है, जिससे मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है वो बहुत दुखी है। तो ये मैनेजर बोलता है तो एक काम क्यों नहीं करते कि आप बिल्ली को हक कर लो म्याव म्याव करके। और तभी ये लड़का बताता है कि ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे ग्रैंडफादर है, और तुम्हें नहीं पता कि ये ऐसा करना कितना बुरा होगा करके। तो मैनेजर बोलता है तो फिर आप मुझे हक कर लीजिए। तो वैम्पायर लेडी का सन बोलता है तुम, तो मैनेजर बोलता है कि सिर्फ सोच के देखिए, और एज ए कंपनसेशन कि हमने आपको रॉन्ग रूम दिया है, इस बहाने आप मुझे हक कर लीजिए। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी सकता है, और मैं इस आदमी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम किसी को लूज़ करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है, और जो लोग हमारे दिल के बहुत क्लोज़ होते हैं उन्हें लूज़ करने पे भी हमारा दिल टूट जाता है, तो मैं इस आदमी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो वो रोते रोते वापस मुड़ता है और बोलता है कि नहीं तुमसे काम नहीं चलेगा, और तुम्हारा जो पूरा बॉडी है वो बहुत ही स्मूथ है, बट मुझे जो चाहिए वो टेक्सचर चाहिए जो बहुत ही सॉफ्ट हो करके। तो ये मैनेजर बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हमारा वैम्पायर का सन बोलता है कि क्या तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो। तभी देखते हैं कि ये जो आदमी है उसके दो कान आ चुके हैं, उसकी एक पूंछ भी आ चुकी है, और वो जब वो उसे इस तरीके से देखता है तो बोलता है कि क्या ये चलेगा, क्या अब मैं सॉफ्ट हूँ करके। तो वैम्पायर जो है वो उसे देखता है और बोलता है कि तो क्या तुम वेयरवुल्फ हो करके, कि हमारा जो हीरो है वैम्पायर वो बोलता है कि नहाने के बाद हॉट स्प्रिंग में बड़ी अच्छी नींद आई और अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी वो बोल पीछे मुड़ता बोलता है कि ठीक है तुमने कल रात को बहुत अच्छे से बिहेव किया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पास में कोई भी नहीं है, उसकी जगह पर एम्प्टी होती है। और तभी वो देखता है कि कोई उसके कपड़े खींच रहा होता है, और वो देखता है कि इतना बड़ा जॉम्बी एक छोटे बच्चे में बदल गया है। और तभी वैम्पायर बोलता है कि तुम सडनली इतने छोटे से कैसे हो गए, और ये जो है ये उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही परे है करके। और तभी जॉम्बी बताता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अपीरियंस कभी भी बदल सकता हूँ, और जब तुम यूज्ड टू हो जाओगे इससे तो हमारा जो
लाइफ है वो वैसे ही चलता चला जाएगा। तभी वैम्पायर बोलता है कि ठीक है, तुम काफ़ी काम से लग रहे हो और हम इससे डील करने का कोई तरीका निकालेंगे। और वो ये मन में सोचता है कि चूंकि अब ये बच्चे के फॉर्म में है तो इसके हाथ पैर भी छोटे हैं और इसे शायद बहुत सी चीज़ों के लिए एडल्ट आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी वैम्पायर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे को क्लोथ चेंज करने में मदद करूँगा और तुम्हारे बालों को कोम्ब भी करूँगा और मैं तुम्हें बात भी करा दूँगा और मैं तुम्हारे लिए लोरी भी सुना दूँगा जब तुम सोओगे। तो वैम्पायर अपने मन में सोचता है लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है पहले की अपेक्षा, क्योंकि जब ये जॉम्बी एडल्ट फॉर्म में होता है तब भी उसे ये सब करना पड़ता है और अब जब ये जॉम्बी शॉर्ट फॉर्म में है, मतलब जब ये किड में बदल गया, तब भी उसे ये सब करना है। और तब वो बोलता है, वैम्पायर बोलता है कि तुम एक यूजलेस फेलो है जिसे हमेशा बिगनिंग से ही कोई ना कोई चाहिए था जो उसे सर्व करे करके। तो जो बच्चा है वो अपने मन में सोचता है, मतलब ये बच्चा जॉम्बी जो है वो अपने मन में सोचता है कि ये पकड़ा गया है करके, ये एक्सपोज हो गया है। अब हमारा जो जॉम्बी है वो अपने हाथ में दो स्टैचू लेके बैठा होता है, एक स्टैचू उसका खुद का होता है और दूसरा इस वैम्पायर का होता है। और वो बोलता है कि आज तुम दोनों की शादी है करके, दोनों स्टैचू की शादी करा रहा है दोनों डॉल्स की। और वैम्पायर सोचता है कि ये दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश होता जाता है और क्या ये वाकई में कम्प्लीटली किड फॉर्म में चेंज हो गया है क्या। और तभी देखते हैं कि जॉम्बी के हाथ में एक गार्लिक है और बोल जॉम्बी बोल रहा होता है कि तुम इस गार्लिक को अपने पिलो की तरह अपने फर्स्ट नाइट में यूज़ करना करके। तभी वैम्पायर फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, गार्लिक के साथ गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, गार्लिक को घर के बाहर उठा के फेंक दो। और तभी वो तिरछी नज़र से देखता बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो बेचारा ये स्मॉल जॉम्बी रोने लगता है और तभी वैम्पायर जो है गार्लिक उठाता है और बोलता है ठीक है रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारा गार्लिक वापस कर देता हूँ। तो जैसे ही उसका गार्लिक उसे देते हैं, लिटिल जॉम्बी जो है वो हैप्पी हो जाता है और वो पूछता है क्या मैं अपनी फ्रेंडशिप गार्लिक के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वैम्पायर बोलता है ठीक है ऑफ कोर्स। और तभी हमारा जॉम्बी बोलता है क्या मैं गार्लिक का कैसल बना सकता हूँ। तो हमारा वैम्पायर बोलता है ठीक है तुम बना सकते हो। और वो पूछता है क्या मैं गार्लिक को अपने कॉफिन में भी रख सकता हूँ क्या। तो वैम्पायर थक जाता है और हार मान लेता है, बोलता है नो प्रॉब्लम। और तभी जॉम्बी बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया है, अब तुम रिग्रेट नहीं कर सकते हो, यदि मैं बड़ा भी हो जाऊँ तो भी तुम रिग्रेट नहीं करोगे और तुम अपना प्रॉमिस वापस नहीं लोगे। तभी वैम्पायर बोलता है कि पक्का तुमने ये पहले से ही प्लान किया होगा, इसीलिए तुम ये चाइल्डिश एक्ट कर रहे हो। तभी क्या होता है, वैम्पायर को गुस्सा आता है और वैम्पायर जॉम्बी को उल्टा करता है और उसकी पिटाई कर देता है। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि उनके ग्रैंडफादर आ गए हैं जो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। और तभी वैम्पायर लिटिल जॉम्बी को गोद में उठाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें ले चलूँ और तुम्हारे दूसरे क्लॉथ्स को चेंज करूँ और दूसरे कपड़े पहनाऊँ। और वो किटी को बाय बाय कहते हैं और निकल पड़ते हैं। और वैम्पायर कपड़े पहनाने के बाद पूछता है कि मैंने तुम्हें ठीक से पहनाए हैं कपड़े कि नहीं। और तभी जॉम्बी पूछता है कि क्या ये तुमने अपने आप मेरे लिए बनाए हैं क्या। तो वैम्पायर बताता है कि हाँ मैंने ये खुद ने सिले हैं कपड़े, जब मैं लास्ट टाइम बोर हो रहा था तब मैंने ये सिले थे और मुझे नहीं पता था कि ये इतने यूज़फुल होंगे क्योंकि ये अभी काम में आ गए। और तभी जॉम्बी बोलता है कि हम इन कपड़ों को रख सकते हैं हमारे फ्यूचर बच्चों के लिए। और तभी वैम्पायर बोलता है कि तुम ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर करके। तभी दोनों बैठे होते हैं, वैम्पायर की गोद में जॉम्बी बैठा होता है और पूछता है जॉम्बी को क्या कि तुम अब हमेशा के लिए ही इतने छोटे हो जाओगे क्या। और तभी जॉम्बी बोलता है कि यदि ऐसा हुआ भी तो क्या तुम मुझे पसंद करना बंद कर दोगे और क्या तुम किसी एडल्ट को पसंद करोगे। तो वैम्पायर बोलता है ऐसा नहीं होगा, तुम अभी भी प्रीशियस हो, चाहे तुम बड़े हो या चाहे तुम बड़े फॉर्म में हो या छोटे फॉर्म में हो, लेकिन तुम मेरे लिए प्रीशियस हो। और तभी
हमारा जो वेम्पायर है वो आता है और जॉम्बी के माथे पे किस करता है, बोलता है क्योंकि तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हें माथे पे ही किस किया जाएगा और यदि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो तुम्हें बड़े होना पड़ेगा करके। और तभी जॉम्बी जो है अचानक से उसका शेप बदल जाता है, वो वापस से बड़ा हो जाता है, बिग साइज़ का हो जाता है और बोलता है कि अब वो बड़ा हो गया है तो अब वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन तब तक मैं वेम्पायर सो चुका होता है और बोलता है कि मैं टायर्ड हो गया हूँ, मुझे थोड़ी देर में उठाना। और तभी देखते हैं कि वेम्पायर बोलता है कि यहाँ पर पक्का कोई कर्स है और बोलता है कि मैं पता करके रहूँगा कि किसने कर्स किया है करके, और ऐसा करके वो नीचे गिर जाता है। तभी जॉम्बी बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारे को मदद करने दो, और वो उसके कपड़ों में नॉट्स वगैरह को खोलने लगता है और वेम्पायर बोलता है कि वो खुद ही अपने नॉट्स खोल लेगा करके। अब क्या होता है कि जो जॉम्बी है वो तो अपने रियल फॉर्म में आ गया, वो तो बड़ा हो गया है साइज़ में, लेकिन हमारा जो वेम्पायर है उसका साइज़ छोटा हो गया, वो छोटा हो गया है। और जब से वो छोटा हुआ है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। और तभी वो बोलता है कि तुम मेरे लिए कुछ खाने का ला सकते हो क्या, तो जॉम्बी जाता है और कुछ ढूंढता है और देखता है ये कुछ नहीं मिल रहा है करके, और बोलता है कि मैं किसी से बाहर जाके मदद लूँ क्या, तो वेम्पायर बोलता है नहीं कोई बात नहीं तुम यहाँ बैठो और मेरे लिए वेट करो करके। और जो वेम्पायर है अब तो छोटा हो गया है साइज़ में, फिर भी वो झाड़ू वाड़ू लगाता है और टेबल पे चढ़ता है और कुछ खाना वाना जैसा बना रहा होता है। अब रात हो जाती है और जो जॉम्बी है वेम्पायर को अपनी पीठ पे लेता है और निकल पड़ता है। और देखते हैं कि ये लोग लेडी वेम्पायर को विजिट कर रहे होते हैं, तो लेडी वेम्पायर बोलती है कि योर मैजेस्टी योर हाइनेस आप इतनी रात में मुझे विजिट करने क्यों आए हैं। तो जॉम्बी बोलता है कि मुझे बताओ कि हम एक बच्चे की देख रेख कैसे कर सकते हैं। तो तभी पीछे से उसका भाई निकल के आता है जॉम्बी का और बोलता है कि ये कोई वायरस वायरस है जो हमारे टॉम्स में फैल गया है, तभी हम लोग छोटे हो गए हैं। भाई एक दूसरे को देखते हैं और जो लेडी वेम्पायर है वो ये दोनों जो हमारा मेन लीड है वेम्पायर उसको और जॉम्बी के भाई को जो इस वक्त छोटे हो रखे हैं उनको कुछ देती है। और तभी वो लोग बताते हैं कि ये एक एंशियंट वायरस है और लेडी बताती है कि एंशियंट टाइम में इसके रिकॉर्ड में ऐसा बताया गया था कि जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है वो बच्चे के रूप में बदल जाता है और वो बहुत समय तक बच्चे के रूप में ही रहता है लेकिन फिर नेचुरली वो लोग रिकवर हो जाते हैं। और तभी जॉम्बी पूछता है कि क्या हम यहाँ रुक सकते हैं और रिकवर हो सकते हैं क्या, हमने हमारा पेमेंट भी दिया है और इसी बहाने हम ये भी सीख जाएंगे कि हमें बच्चों की कैसे केयर करनी है। तो लेडी बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है योर हाइनेस, और ये लोग अपना अपना गेम्स खेलते रहेंगे। और फिर दिखाते हैं कि जॉम्बी बैठा होता है और देखता है कि उसका भाई जो है उसने एक कैसल जैसा बनाया है और बोलता है कि अब वो लोग ग्रीन ऑनियंस उगाएंगे। तो जॉम्बी बोलता है कि नहीं हम वो उगाएंगे गार्लिक उगाएंगे। अब वेम्पायर देखता है, वेम्पायर को फिर से गुस्सा आने लगता है और तभी दोनों भाइयों के बीच में भी फाइट होता है कि हम स्प्रिंग ऑनियन उगाएंगे और जो जॉम्बी का भाई है वो बोलता है कि वेदर आप मुझे समझ सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है करके। अब दिखाते हैं किचन में खाना बना रहे होते हैं, एक वेजिटेबल काट रहा होता है, दूसरा कढ़ाई में कुछ पका रहा होता है। तो लेडी वेम्पायर बोलती है कि मैं कुछ सपर बना रही हूँ सबके लिए, तुम लोग जाओ और गेम्स खेलो। तभी वेम्पायर बोलता है कि मैं घर के का सारे काम अपनी सिस्टर पे नहीं छोड़ सकता हूँ करके। अब ये बोलता है कि मैं चाहता तो मैं तुम दोनों की केयर खुद ही कर लेता, और मुझे बहुत ही सैड और बैड फील होता है कि मैं सिर्फ खा रहा हूँ और खेल रहा हूँ और पी रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तभी ये देखते हैं कि दरवाजे से पीछे जॉम्बी और जॉम्बी का भाई झांक रहे होते हैं
तो इनकी जो सिस्टर है, वैम्पायर की सिस्टर, बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये सब मेंशन मत करो, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को पहले नहीं देखा, जब तुम लोग सच में बच्चे थे तो मैं ही तो तुम्हें देखती थी। तभी वैम्पायर बोलता है कि तो हमें और वर्स फील होना चाहिए, और तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा कि कैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए करके। अब दिखाते हैं कैसल में रोशनी आ रही होती है, एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी चल रहा होता है, और दोनों भाई बात कर रहे होते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बंद करना चाहिए, और हमें एक नई लीफ जैसे, मतलब हमें एक नया जीवन शुरू करना चाहिए डिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट का, जिसमें हम दोनों इंडिपेंडेंट बने करके। और तभी वो दोनों भी अपने किचन में जाते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। अब जब जॉम्बी का भाई कुछ काट रहा होता है तो वो अपना हाथ काट लेता है, और तभी जॉम्बी बोलता है कि तुम थोड़ा केयरफुल रहो, मैं तुम्हें इस पे फूंक मार देता हूँ यदि ये तुम्हें दुख रहा है तो। तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि ये कुछ मुझे दुख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में से हवा लीक हो रही है। और तभी जॉम्बी बोलता है कि इसका मतलब ये है कि अब तुम श्रिंक होते जा रहे हो, और वो बोलता है मैं जाता हूँ जाके एयर पंप को ढूंढता हूँ। तो उसका भाई बोलता है ठीक है तुम जल्दी जाओ और जाके एयर पंप को ढूंढो। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वैम्पायर और वैम्पायर की बहन देखती है कि जॉम्बी ऐसे पड़ा हुआ है, और जॉम्बी का भाई भी ऐसे ऊटपटांग सा एयर पंप लेके पड़ा हुआ है। जॉम्बी का भाई बोलता है कि तुम लोग आ गए हो, और बोलता है कि हमने कल रात को खाना बनाना सीखा है करके। तभी जॉम्बी बोलता है कि ये बहुत ही टेस्टी है। तभी लेडी वैम्पायर बोलती है कि तुमने क्या बनाया और हमें भी चखने दो। और तभी वो प्लेट में रखते हैं और उसमें होता है फ्राइड स्प्रिंग ऑनियन विथ गार्लिक। ये देख के दोनों वैम्पायर जो हैं वो बड़े गुस्से में आ जाती हैं, और फिर भी वो लोग खुश होने का नाटक करते हैं और बोलते हैं कि ये शायद कॉम्प्लेक्शन के लिए अच्छी होगी। और तभी वैम्पायर बोलता है कि सिस्टर तुम ट्राई करो। तो सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो अभी ग्रो कर रहा है, तो तुम्हें ये न्यूट्रिशन स्टफ जो है छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। तो जॉम्बी बोलते हैं कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने दो पोर्शंस बनाए हैं, यानी दोनों को एक एक मिलेगा। लेकिन ये बात सुन के दोनों वैम्पायर्स जो हैं वो और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो गार्लिक पसंद ही नहीं है। अब क्या होता है, दिखाते हैं कि ये लोग प्लेग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर किड्स का डेवलपमेंट होता है, और लड़की सोचती है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ मदद जिससे कि ये लोग बच्चे से वापस एडल्ट हो जाए। तो जॉम्बी सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो एक और एक कपल होता है, और वो सोचता है इन लोगों को देख के कि ये कपल कितना खूबसूरत दिख रहा है, और दूसरा बोलता है कि इनके पास तो बहुत अच्छे ब्यूटीफुल किड्स भी हैं। इन लोगों को नहीं पता है कि ये लोग किड्स में, इनको वायरस लग गया है इसलिए ये किड्स में टर्न आउट हो गए हैं, अदरवाइज़ ये एडल्ट हैं करके। तभी वैम्पायर बोलता है कि हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए करके। तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि हाँ हमें शायद स्प्लिट हो जाना चाहिए, और बोलता है कि हम जाएंगे और 3 घंटे के बाद हम टेरेस पे मिलेंगे करके। दोनों में डील पक्की हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ और भी बच्चे बैठे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि मैंने फ्लावर लगाया है, किसी ने, कोई बोलता है कि ये वाला फ्लावर जो है ये इसे फायर ऑफ लाइफ कहा जाता है, दूसरा बोलता है कि मैंने डैफोडिल फ्लावर लगाया है जिसका मतलब होता है लव योर सेल्फ करके। सब जो जो गा रहे होते हैं उसका कारण बताते हैं, मतलब किस चीज़ का क्या मीनिंग है करके। तो जॉम्बी का भाई बोलता है कि मैंने स्प्रिंग ऑनियन उगाया है, और इसका जो लैंग्वेज है वो ये है कि ये ग्रेट टेस्ट में है और इसे फ्राइड एग के साथ खाया जाता है करके। तभी दूसरे बच्चे बोलते हैं कि ये लेकिन प्रिटी नहीं दिख है, और जो इसका स्मेल है वो भी अच्छा स्मेल नहीं है। तो हमारा जॉम्बी का जो भाई है वो बोलता है कि लेकिन ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रिटी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और तुम लोगों को भी इसे ग्रो करना चाहिए। और तभी बच्चे बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा जो टेस्ट है वो थोड़ा वियर्ड है, और ऐसा करके सब बच्चे
हंसने लगते हैं। और तभी क्या होता है कि लेडी वैम्पायर आती है, बोलती है कि बच्चों क्या तुम लोगों को कोई मैजिक देखना है क्या? तो जॉम्बी का भाई बोलता है कौन सा मैजिक? तभी लेडी वैम्पायर मैजिक लगाती है और जो ऑनियन है उसके ऊपर एक फूल सा उग जाता है। बच्चे पूछते हैं कि क्या तुम फेयरी हो, तुमने कैसे ऑनियन को इतना खूबसुंदर बना दिया है? और तो लेडी बताती है कि ये जो ऑनियन है वो अपने आप में एक फ्लावर है। और जब समर्स आती है तो ये जो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि डैफोल्स फ्लावर जो है उसकी तरह ही एकदम प्रिटी होता है। और ये जो लेकिन ये है कि ये जो फ्लावर है ये फूड में यूज़ होता है और तुम इसे ज़्यादातर देख नहीं सकते हो करके। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं इस टाइप के जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं और छुपे हुए होते हैं, और हमारे जैसे ही लोग हैं जो इन्हें इनकी हिडन ब्यूटी को दिखा सकते हैं। तो वो बोलती है जॉम्बी को, छोटे जॉम्बी को, कि ये भी एक प्रकार का ट्रेजर ही है।